नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। नेवर स्टॉप डूइंग ग्रेट जस्ट बिकॉज समवन डजंट गिव यू क्रेडिट। तो बड़ी सरल सी बात है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी महान कार्य आप कर रहे हो, तो उसको इस वजह से नहीं रोक देना है कि कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, कोई उस कार्य को क्रेडिट नहीं दे रहा है। शुरुआत जब भी होती है तो जीरो से ही होती है, लेकिन जब आगे बढ़ते जाते हो तो कारवा जो है वो भी बढ़ता जाता है। ओके, तो ये स्ट्रगलिंग जो चीज होती है ना, तो ये हर एक की लाइफ में होती है जो भी आगे पहुंचता है किसी भी फील्ड में। ओके, तो आपको कार्य करते रहना है डेली रूटीन में। जो आपकी रूटीन है उसको अपनाकर आप करते रहो, रोज करोगे तो उसका फायदा मिलेगा। और अगर इस तरीके से करोगे कि एक दिन कर दिया, 2 दिन नहीं किया, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। ओके, तो चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप कोई एनवायरमेंटलिस्ट हो, मतलब कि एनवायरमेंट के बारे में आप सोच रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, ओके, तो एक ना एक दिन जो है ना, आपका जो समाज सेवा है आपके मतलब रिकॉग्नाइज हो जाएगी, लोग जानेंगे। तो जो भी आप गोल अचीव करना चाह रहे हो पढ़ाई के माने में, अगर ऑफिसर रैंक आपने लेना है तो तपस्या है जो किसी को दिखती नहीं है। ओके, तो ये चीज आपको समझनी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का द इकोनॉमिक टाइम्स का फ्रंट पेज। ओके, और इसके अलावा ये है एडिटोरियल वाला पेज। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 एडिटोरियल्स हैं। तो पहले एडिटोरियल में यहाँ पर UAPA के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में हमने कल भी अच्छे से डिस्कशन की है। ओके, तो उसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कल का एडिटोरियल आप देख सकते हो। और अभी दूसरे नंबर पर यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोबल स्केल जो है वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का, कि वैक्सीन जो है पूरी दुनिया में सब जगह पहुंचे, जो गरीब से गरीब देश है वहां तक भी पहुंचे। तो अभी हाल ही में G7 समिट हुई है, तो वहां पर भी G7 ग्रुप ने ये कहा है कि कुछ नंबर ऑफ डोजेज जो है ये भी डोनेट करेंगे। और दूसरी ओर जो US, वो भी कह रहा है कि वो भी कुछ नंबर ऑफ डोजेज जो है वो डोनेट करेगा, खासतौर पे जो गरीब कंट्रीज है उनको। और इसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो एडिटोरियल है, ओके, तो इसको इसमें यहाँ पर इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात की जा रही है भारत की। ओके, तो और भी काफी सारी नई बातें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। और इसके अलावा IPOs की बात कर रहे हैं। ओके, तो IPOs जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों आर्टिकल्स को अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कोर्ट से होती है, लेकिन उसके बाद आता है प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स, या फिर इसको आप करंट अफेयर्स भी कह सकते हो। ओके, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स, फिर बाद में एडिटोरियल डिस्कशन होगा, और लास्ट में होगा एक इकोनॉमिक कंसेप्ट, डेली बेसिस पे एक नया कंसेप्ट जो है हम डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर को लाइक कर देना स्टार्ट करने से पहले, और शेयर कर देना इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको PDF चाहिए तो डेली बेसिस पे PDF अवेलेबल होता है टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां पर जाके ज्वाइन करें। और अभी शुरुआत करते हैं पहले प्रीलिम्स फोकस फैक्ट के साथ। तो अभी प्रपोजल की बात की जा रही है, किस प्रपोजल के बारे में? तो अभी जो G7 की समिट हुई थी, तो वहां पर कैसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, उनके ऊपर टैक्स लगाना है, क्योंकि ये टैक्स चोरी कर लेती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी जैसे ये डिजिटल वे में अगर बात करें, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ओके, तो और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इंडिया में अपनी सर्विस दे रही हैं, तो ये टैक्स चोरी कर लेती है। मतलब जो टैक्स यहाँ पर अगर भारत में वो काम कर रही हैं, तो भारत में जो टैक्स देना चाहिए, तो इस तरीके से वो अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करती हैं कि जो प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट को ही शिफ्ट कर देती हैं किसी ऐसे देश में जहां पर वो टैक्स हैवन कंट्री, मतलब वहां पर कोई टैक्स लगता ही नहीं। जैसे पनामा सिटी की आप बात कर लो, तो ये कुछ ऐसे गिने चुने देशों में से एक है जहां पर टैक्सेस वगैरह नहीं लगते हैं, और पूरा का पूरा जो पैसा है प्रॉफिट का, वो सीधे के सीधे कंपनी की जेब में चला जाता है। ओके, तो कहने का मतलब अगर भारत में काम कर रहे थे, तो भारत का जो टैक्स का हिस्सा बनता है, तो ये प्रॉफिट ही उतना शो करते हैं कि टैक्स जो है उसी हिसाब से लगेगा। तो मतलब काफी टैक्स का पैसा ये चोरी कर लेते हैं, जो कि भारत सरकार के पास जाना चाहिए, या फिर जो अलग अलग जो देशों की सरकारें हैं वहां पर जाना चाहिए। तो अभी ये जो G7 समिट हुई, इसमें यही एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। ओके, तो यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज को टैक्स, कितना टैक्स लगाना है, तो उसकी बात यहाँ पर बात की जाएगी। शुरुआत इसकी यहाँ पर OECD ने की थी। ओके, तो OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो अभी भारत का क्या कंसर्न है? तो इसके रिगार्डिंग ना, भारत ने कुछ कंसर्न अभी अपने जताए हैं। तो क्या जताए हैं? तो अभी कह रहे हैं कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज को टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ यहाँ पर जो आइडेंटिफाइड टॉप 100 को आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सही नहीं है। टॉप 100 जो MNC है सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करें, तो जिनका हाईएस्ट शेयर है मार्केट में सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो अभी उसके रिगार्डिंग भारत राजी नहीं है कि टॉप 100 नहीं, जितने भी हैं सबको रखो। ओके, तो अभी
ग्लोबल मिनिमम टैक्स की यहाँ पर बात की जा रही थी कि 15% का एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स होगा। कहने का मतलब चाहे वो कंपनी भारत में ऑपरेट कर रही है, चाहे यूके में ऑपरेट कर रही है, अगर मैं गूगल की बात करूँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रही है, तो यहाँ पर सब जगह 15% टैक्स ही होगा। ओके, तो जो देश यहाँ पर टैक्सेस नहीं लगाते तो उनको भी यहाँ पर टैक्सेस लगाने होंगे। वो तो ये यहाँ पर सब चीजें देख के बात जो है चलेगी आगे। ओके, तो अभी सिचुएशन यही है कि टैक्सेस को अवॉइड कर देती हैं कंपनीज। ओके, तो किसी और जगह पर चली जाती। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है कि अगर ये 15% का टैक्स लगाना है, G7 ने जो अभी प्रपोजल दिया है, तो इंडिया को भी यहाँ पर ना फिर अपना जो ये 2% का इक्वलेशन जो लेवाई लगाता है भारत ऑन सेल्स एंड डिजिटल मल्टीनेशनल कंपनीज, तो अभी उसको भी रिमूव करना होगा भारत को। ओके, तो ये इक्वलाइजेशन लेवाई क्या चीज है? जैसे फेसबुक है, फेसबुक देखो ये उन कंपनीज के ऊपर लगता है जो इंडिया की नहीं है। ओके, जो बाहर की कंपनीज हैं वो भारत में आके अपनी सर्विस दे रही है। जैसे फेसबुक हो गया, ये बाहर की है, यूएसए की है, तो भारत में ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि अगर मैं फेसबुक के पास जाता हूँ, मेरी अपनी कंपनी है, फेसबुक को मैं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी का एक इंडियन जा रहा है फेसबुक के पास, ओके, तो इंडियन यहाँ पर 2 लाख रुपए दे रहा है कि मेरी कंपनी को प्रमोट करो, ठीक है, उसकी एडवर्टीजमेंट लगाओ। तो ये भी ध्यान रखें इसकी जो मैक्सिमम, अगर आप 2 लाख रुपए तक की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या पैसा अगर भारतीय कोई दे रहा है ना, तभी यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवल लगेगा, 2 लाख से ऊपर की रकम के ऊपर, इससे नीचे नहीं लगता। तो मैंने 2 लाख रुपए दिए, ओके, तो उस वो 2 लाख रुपए मैं फेसबुक को दूंगा ना, तो उसमें से 2% जो है वो कट हो जाएगा, वो सीधे सीधे यहाँ पर भारत सरकार के पास जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवल लगाती है भारत सरकार। ओके, तो मैं कौन सी सर्विस ले रहा हूँ फेसबुक से? एडवर्टीजमेंट करवानी है मैंने अपने ग्रुप की, तो ये बात को थोड़ा समझे। ओके, तो अभी इसको भी भारत सरकार को इक्वलाइजेशन लेवाई को हटाना होगा अगर ये प्रपोजल जो है ना 15% टैक्स वाला, ये आगे जो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आगे इसको मतलब अलग अलग देश जगह इसको लागू कर लेते हैं। ओके, तो भारत बेसिकली यही चाह रहा है कि वाइडर एम्बिट हो, मतलब और दायरा बढ़े, सिर्फ यहाँ पर 100 किसी MNC तक ही आप सीमित मत रहे। और यहाँ पर जो अगला प्रपोजल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई में आ सकता है, जब G20 OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, ओके, तो इसकी यहाँ पर जब बैठक होगी ऑन बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो ये यहाँ पर जो बेसिकली बात है जो OECD काफी समय से करता रहा है कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ओके, तो जहां पर काम कर रहे हैं वहां से ही अपना प्रॉफिट अरोज करके कहीं और लेके, प्रॉफिट को शिफ्ट करके किसी और जगह पर, प्रॉफिट शेयरिंग भी कह सकते हो, शिफ्टिंग भी कह सकते हो। तो अभी इस फ्रेमवर्क में 139 कंट्रीज अभी काम कर रही हैं, और G20 जो है इज ए ग्रुप ऑफ की ग्लोबल इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग इंडिया दैट अकाउंट्स 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP। तो G20 काफी बड़ा ग्रुप है, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन इसमें आ जाता है, जिसके जिसके अंदर वैसे 27 कंट्रीज हैं। ओके, इसके अलावा और भी जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, तो देख लो पूरी दुनिया की 80% GDP है, तो खुद ही अंदाजा लगा लो कि कितने बड़ा ये ग्रुप है G20। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिनेरियो है, तो ये भी देख लें। अभी डिस्कस इसको G20 में किया जाएगा, प्रपोजल G7 में यहाँ पर आया, G7 समिट में। तो इंडिया यहाँ पर चाह रहा है कि दायरा बढ़ाओ, तो यहाँ पर आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द टॉक्स OECD ऑन BEPS फ्रेमवर्क। तो ये जब भी जब से ये टॉक शुरू हुई तो भारत ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन की है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर इन MNC की बात करो, गूगल फेसबुक की बात करो, तो काफी बड़ा इनका दायरा है भारत में। ओके, मार्केट काफी बड़ी है। तो अभी बात कर रहे हैं, 2 पिलर्स है यहाँ पर, ये जो G7 का प्रपोजल आया। पिलर नंबर 1 जो है, तो यहाँ पर बात करें टैक्सिंग राइट्स टू बी एलोकेटेड टू मार्केट ज्यूरिसडिक्शन, मार्केट ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से यहाँ पर टैक्सिंग राइट को यहाँ जो है एलोकेट किया जाएगा। और दूसरा बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट 20% ऑफ प्रॉफिट एक्सीडिंग ए 10% मार्जिन फॉर लार्जेस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल MNC। ओके, तो यहाँ पर 20% अगर यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको यहाँ पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। ज्यादातर जो यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिटेबल MNCs है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, और 10% का यहाँ पर मार्जिन रखा गया है जो यहाँ पर बड़ी कंपनीज हैं। और इसके अलावा बात करें जो पिलर 2 जो है, उसमें ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात कर रहे हैं कि पूरे दुनिया में एक ही टैक्स, एक जैसा टैक्स ही रखा जाएगा, तो 15% होगा कंट्री टू कंट्री बेसिस के हिसाब से, चाहे भारत में ऑपरेट कर रही है, चाहे यूएस में ऑपरेट कर रही है कंपनी, कहीं पर भी ऑपरेट करती है। यूएस में भी यहाँ पर भी जो है अपनी सहमति जताई है कि इतना टैक्स आप कर सकते हो। और आगे बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पर, जो फिस्कल ईयर का, फिस्कल ईयर 2022 का जो रेवेन्यू फिगर आई है, ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है, मे बूस्ट GDP नंबर्स इन फर्स्ट क्वार्टर, डायरेक्ट टैक्स मोपअप डबल्स 1.886 लाख करोड़। तो डायरेक्ट टैक्स, ओके, जो सीधे जैसे इनकम टैक्स हो गया वो डायरेक्ट टैक्स, इसके अलावा भी और बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो उसकी जो यहाँ पर
जो पैसा इकट्ठा हुआ है मंथली बेसिस पे उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है यहाँ पर। फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि अभी जो पहले 3 महीने होते हैं उसकी यहाँ पर बात करें कि एडवांस जो टैक्स कलेक्शन हुई है फर्स्ट क्वार्टर की, वो यहाँ पर 146% बढ़ चुकी है। ओके, तो पिछले साल के मुकाबले में अगर बात करें तो अब यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 28,780 करोड़ बनते हैं ये। ओके, तो अगर ओवरऑल यहाँ पर नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर वो डबल हो चुका है। तो यहाँ पर वो 1.86 लाख करोड़ के आसपास वो हो चुका है। ओके, डायरेक्ट टैक्स की यहाँ पर बात करें, पहले यहाँ पर एडवांस टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये डाटा अभी जो जून 15 को ये अभी रिलीज किया गया है सरकार के द्वारा, उसके द्वारा ये बात कही जा रही है। और स्ट्रॉन्ग जो ग्रोथ हुई है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, तो इसका जो नतीजा है, जो कारण है, वो यहाँ पर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है कि इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, आगे रफ्तार पकड़ रही है अपनी। इस क्वार्टर में पकड़ी थी जिस क्वार्टर का ये रिजल्ट आया है। ओके, तो अभी उसके बाद तो अभी ये जो अप्रैल और मई का महीना गुजरा है तो ये बहुत खराब गुजरा है। तो अभी जब इसका रिजल्ट आएगा तो इसमें फिर ग्रोथ थोड़ी कम ही होगी। ओके, और आगे बात कर रहे हैं जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, तो यहाँ पर अभी एक स्कीम लेकर आई थी भारत सरकार विवाद से विश्वास डिस्प्यूट सेटलमेंट्स की। ओके, तो इसमें ऐसा था कि जिन लोगों ने टैक्सेस नहीं भरे हैं किसी किसी भी कारणवश, वो अपना टैक्स भरे। ओके, तो यहाँ पर जो भी विवाद है ना, तो यहाँ पर उसको सुलझाना है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। तो ये स्कीम भारत सरकार लेकर आई थी कि मतलब आपको फायदा देंगे अगर आप अपना टैक्स समय से अगर दे देते हो, अगर आपने पिछले काफी समय से टैक्स नहीं दिया है। तो इसी के चलते यहाँ पर कलेक्शंस में इजाफा देखने को मिला। जो टैक्स कलेक्शन भारत सरकार के पास जाती है डायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में, डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स ज्यादातर आता था, तो ज्यादातर लोग इनकम टैक्स को ही चुराते हैं। ओके, तो वही इनकम टैक्स अभी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ओके, जो कि डबल हो चुका है। ओके, 1.86 लाख करोड़ तक यहाँ पर अभी राशि पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंक्रीज एज मोर डाटा इज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स ऑन कलेक्शन। अभी और डाटा अभी मिल रहा है। ओके, दिस सपोर्ट्स आवर एक्सपेक्टेशन दैट जीडीपी विल रिकॉर्ड ए डबल डिजिट एक्सपेंशन। ओके, तो डबल डिजिट एक्सपेंशन जीडीपी देख पाएगी, हमें जो है देख सकेंगे आने वाले समय में। फिस्कल यहाँ ये Q1 की यहाँ पर 2022 की बात कर रहे हैं, 21-22 की बात कर रहे हैं, ये आने वाला समय बताएगा। तो ये बात की जा रही है रित्य नायर के द्वारा, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है एट रेटिंग एजेंसी ICRA। तो ICRA एक रेटिंग एजेंसी है जिसका काम होता है अलग अलग अदारों को रेटिंग देना। तो ये जैसे AA हो गया, AAA+ हो गया, BB, इस तरीके से यहाँ पर नंबर से ना रैंकिंग देते हैं, रेटिंग देते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है कि कंपनी कितने काबिल है। जितनी यहाँ पर ए वाली लाइन में रेटिंग होगी उतनी बढ़िया कंपनी है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना उतना फायदेमंद रहेगा। और आगे बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट टैक्स मोपअप हुआ है फर्स्ट क्वार्टर पिछले साल, वो यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 93,000 करोड़ के आसपास था। तो अभी देखो कितना हो गया, डबल से भी ऊपर चला गया। तो आगे एडवांस टैक्स की बात करें, एडवांस टैक्स होता क्या है? एडवांस टैक्स का मतलब होता है, ये वो टैक्स होता है जो कंपनीज और जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पे करते हैं 4 इंस्टॉलमेंट्स थ्रू द ईयर। तो यहाँ पर एक साल में, एक फिस्कल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर एक क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर जो है 4 इंस्टॉलमेंट्स में ये टैक्स जो है पे किया जाता है कंपनीज के द्वारा। और पहले की यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट कंप्राइजेस 15% ऑफ एवेल्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी इन द फर्स्ट क्वार्टर। ओके, तो यहाँ पर जो पहले क्वार्टर में जो टैक्स लाइबिलिटी जो एवेल्यूट होती है उसके हिसाब से 15% बनता है। ये जो टैक्स होता है एडवांस टैक्स होता है। तो ये देखो पूरा का पूरा सिनेरियो इस पेज के ऊपर भी पूरा बताया गया है। फिस्कल ईयर 2021 के पहले क्वार्टर की बात करें तो एडवांस टैक्स जो है 11,714 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर अभी भी ये देखो फिस्कल ईयर 2022 में 29,000 करोड़ के आसपास हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें विद इन एडवांस टैक्स, यहाँ पर उसके अंतर्गत कॉरपोरेशन टैक्स आ जाता है, पर्सनल इनकम टैक्स आ जाता है, तो ये उसकी राशि बताई गई है। ओके, तो जिसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें तो वो भी काफी ज्यादा थी। तो अभी फिस्कल ईयर 2021-22 की बात करें तो ये अभी पूरी अमाउंट है। उसके बाद में ये देखो अगर पिछले साल की बात करें तो उस समय इतनी थी, और अभी इंक्रीज 100% के से भी ऊपर का यहाँ पर बताया जा रहा है। और फॉर फिस्कल ईयर 2022, तो अभी मिड जून तक की बात करें कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स की कलेक्शन थी तो इतनी हुई है, और अभी जो पर्सनल इनकम टैक्स की जो कलेक्शन हुई है तो यहाँ पर इतनी जो है हो चुकी है। तो अभी इसी फिस्कल ईयर 21-22 की अभी पहले क्वार्टर की अभी बात कर रहे हैं। तो पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 अप्रैल। ओके, उसके बाद मई आया, फिर अभी जून आया, जून अभी खत्म होना है। ओके, तो अभी शुरुआत की, अभी जो यहाँ पर आंकड़े हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये अलग अलग यहाँ पर टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, और यहाँ पर जो रिफंड्स इशू किए गए तो उसकी भी राशि यहाँ पर बताई गई है भारत सरकार के द्वारा। और जो की कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो यहाँ पर एट सोर्स जो टैक्स डिडक्ट होता है, जो भी आप कोई सामान वगैरह अगर खरीदते हो तो उसकी पूरी राशि बताई गई। सेल्फ असेसमेंट टैक्स की राशि बताई जा रही है, रेगुलर असेसमेंट टैक्स,
और जो भी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता उस समय फिर भारत सरकार टैक्स लगाती तो उसकी राशि बताई जा रही है। और बाकी के जो माइनर हेड्स उसके हिसाब से यहाँ पर 491 करोड़ के आसपास का टैक्स की राशि बनती है। और आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट वर्सेस ट्विटर हो रहा है। अब नई जो आईटी रूल्स आए थे फरवरी महीने में, तो अभी जो रविशंकर प्रसाद जी हैं जो आईटी मंत्रालय के जो मंत्री है, तो उन्होंने कहा है कि जो ट्विटर है जो आईटी रूल्स बनाए गए थे भारत सरकार के द्वारा उनकी अनुपालना नहीं कर रहा है, जिसके चलते अभी एक जो है जो इसका दर्जा था इंटरमीडियरी का वो, तो जो एक बिचौलिए की जो भूमिका अभी तक निभाता रहा है ट्विटर, जैसे कोई भी अपना मैसेज टाइप कर दिया ठीक है दूसरे तक वो बात पहुंच गई तो एक बिचौलिए का रूप, इसका मतलब एक इस तरीके से ऑपरेट करता रहा है, तो अभी वही दर्जा इसे छीन लिया गया है। तो रीजन वही है कि आईटी रूल्स को ये और जो है अनुपालना ये नहीं कर पा रहे हैं। कैसे नहीं कर पा रहे हैं? तो जैसे आईटी रूल्स ये कहते हैं कि कंप्लायंस ऑफिसर आपको जो है वो बैठाना होगा, ओके तो यहाँ पर जो भी ग्रीवेंसेस होंगे तो वो उनकी सुनवाई वो करेगा, वो भी उसी के रिगार्डिंग जो ना माथापच्ची चल रही, तो उन्होंने जो बाकी कंपनी से गूगल फेसबुक वगैरह तो उन्होंने तो कर दिया है, लेकिन ये अभी तक ट्विटर अभी तक इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर नहीं तैयार कर पाया है। ओके तो फरवरी में ये रूल आए थे, ओके तो 3 महीने का समय मिला था, 26 मई को वो समय ओवर हो गया, तो अभी तक मतलब ट्विटर बचा था जो कि कंप्लाई नहीं जिसने किया। ओके तो अभी भारत अपनी बात रख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, संविधान हमें गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो उसको यहाँ पर रीअफर्म भी किया गया जब G7 समिट अभी रिसेंटली हुई थी यूके में। ओके तो ये बात कही जा रही है मंत्री जी के द्वारा। और यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो कि अपनी ओर से ऐसे अटेम्प्ट दिखाती हैं कि वही यहाँ पर भारत में जो है ना फ्री स्पीच के मतलब एक तरीके से चिन्ह हम कह सकते हैं, फ्लैग बेयरर्स हैं। ओके मतलब वही जो है ना वही कंपनीज ही हैं भारत में जो फ्री स्पीच को जो है बढ़ावा देती हैं और कुछ है ही नहीं। ओके तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है ओके मंत्रालय द्वारा। ओके तो यहाँ पर जो एक्चुअल में जो लॉ बनाए गए थे कानून बनाए गए थे तो उनको एक दरकिनार कर दिया गया इन कंपनीज के द्वारा। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है ट्विटर के खिलाफ यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ओके तो अभी बात वही है कि अगर मतलब जब तक ये कंप्लाई नहीं करता तो उस हिसाब से तब तक इसका जो दर्जा जो है ना वो इसको उसे मतलब अलग ही रखा जाएगा। और जो भी इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे अभी यूपी पुलिस की बात करें तो यहाँ पर 6-7 ऐसे वीडियोज हैं जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल है और वो फेक वीडियोस बताई जा रही है। ओके तो अभी एफआईआर जो है दर्ज कर दी गई है ट्विटर के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर जो है दर्ज कर दी है ट्विटर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी जो वायरल वीडियोस थी यहाँ पर जो है किसी, जैसे यहाँ पर एक एल्डरली पर्सन की यहाँ पर बात करें कि उसके ऊपर अटैक कर दिया गया गाजियाबाद में, तो ऐसी वीडियोस वहां पर चढ़ी हैं। तो यहाँ पर जिस और आगे यहाँ पर बात करें कि ट्विटर ने अपनी इनकंसिस्टेंसी दिखाई, जिस तरीके से काम करना चाहिए था मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ ये नहीं कर पाया, फेक न्यूज अभी भी वायरल है इनके जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर, और भारत जो अपनी कमिटमेंट जो इसके ऊपर पूरा खड़ा उतरता है। तो जो लीगल जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि जो भी ये टसल चल रहा है ट्विटर और भारत सरकार के बीच में हैज रेमिफिकेशन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया, तो प्राइवेसी एक्टिविस्ट बिलीव इट इज फॉर द कोर्ट्स टू एडुकेट ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नॉट द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जो कचहरी है कोर्ट है वो यहाँ पर मसले को हल कर सकती है, तो ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है कि मतलब क्या फ्री स्पीच कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है। जब प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कोर्ट तय करता है ना कि सरकार तय करती है। कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है जो यहाँ पर आईटी नए आईटी रूल्स में जो आपने क्रिमिनल लायबिलिटी जो रखी हुई है ना, मतलब दंड मिलेगा जैसे अभी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो इस वाले जो जो एक कंटेंट है इसको आप ड्रॉप करें, एक्सपर्ट्स का ये कहना है आईटी रूल्स में इसको हटाइए आप, तो यहाँ पर लायबिलिटी जो है क्रिमिनल लायबिलिटी, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लायंस ऑफिसर उसके ऊपर, मतलब अगर कॉम्प्लायंस ऑफिसर जिसके पास आप शिकायत करने जाओगे तो वो अगर नहीं काम कर रहा है ठीक है उसको दंड दिया जाएगा, सजा होगी। ओके तो अभी उसको एक साइड पे करने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कंपनीज ना हेजिटेट कर रही हैं कि वो अपना किसी भी यहाँ पर लोकल जो यहाँ पर ऑफिसर है उसको यहाँ पर उसका नाम नहीं बता रही कि किसको जो है वो अपना कंप्लायंस ऑफिसर जो है अपॉइंट कर, नाम बताते हैं तो अगर कोई भी उल्टा सीधा हो जाता है जैसे फेसबुक हो जाए चाहे ट्विटर हो जाए कोई भी अमल प्लेटफॉर्म हो जाए, तो यहाँ पर सीधी जो तलवार है ना वो कंप्लायंस ऑफिसर के ऊपर लटकेगी। ओके तो ये मतलब सिचुएशन ऐसी है, तो इसलिए यहाँ पर कंपनी थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रही है कि अपने नाम नहीं बता रही है वैसे ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रही है। ओके तो यहाँ पर
शुरुआत में बात करेंगे टॉप जो इंडस्ट्री ग्रुपिंग्स है, हैव सॉल्व द विड्रॉल ऑफ द स्पेसिफिक क्लॉज इन द न्यू आईटी रूल। तो स्पेसिफिक क्लॉज में वही है, क्रिमिनल जो लाइबिलिटी है, सजा होगी, तो उसको यहाँ पर ड्रॉप करने की बात की जा रही है, जो कि सीधे सीधे जो है चीफ क्लाइंट जो कंप्लायंस ऑफिसर है उसी को यहाँ पर पकड़ने की बात की जा रही है, जितनी भी यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी जा रही है बिट टू द गवर्नमेंट बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वाला अदारा है, दूसरा अदारा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII जिसको बोलते हैं, और तीसरा अदारा है यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम फिक्की बोलते हैं। ओके, तो ये सभी अदारे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, ओके, जो कि यहाँ पर ये बात रख रही है अपनी। और भी यहाँ पर कुछ अदारे हैं, जैसे यहाँ पर US इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात कर लो, ओके, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की बात कर लो। तो ये भी सभी ये बात कह रहे हैं कि जो अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो, ओके, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत अब थोड़ा बेहतर कर रहा है, रैंक बढ़ता जा रहा है, सही हो रहा है। तो ये सभी अदारे भी यही कह रहे हैं कि अगर बढ़ाना चाह रहे हो इज ऑफ डूइंग बिजनेस, की बिजनेस कोई भी कंपनी आपके देश में आके करे तो आसानी से कर पाए, जैसे फेसबुक, ये अमेजोन, गूगल की बात करें, सभी बाहर की कंपनीज हैं, तो इंडिया में आके अपना बिजनेस कर रही है, तो कह रहे हैं कि ये वाला जो क्रिमिनल लाइबिलिटी वाला जो रूल है इसको हटा दिया जाए। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो कहाँ कहाँ पर हेडक्वार्टर्स इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसका उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है जो बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये कल का बहुत मुद्दा जो है ना काफी वायरल हो रहा है, तो इसमें रोनाल्डो जो है, ओके, तो वो उन्होंने क्या किया, पूरा नाम इनका है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी चल रही थी जिसमें दो कोका कोला की बॉटल्स इन्होंने उठाई, जो फ्रेम बना होता है ना कि जो कैमरे का फ्रेम होता है, तो उस कैमरे के फ्रेम से उठाकर एक साइड पे रख दी, और फिर यहाँ पर एक पानी की बॉटल थी उसको यहाँ पर उठाया और यहाँ पर बताया कि पानी का कंजप्शन करें। ओके, तो सीधी सीधी यहाँ पर बात वही कही जा रही है कि जो ऐसी पर्सनैलिटीज हैं वो चाह रही हैं कि अनहेल्दी और जंक फूड जो है ना उसको एक साइड में करो, जो सही है उसको अपनाओ। तो भारत की भी यहाँ पर वही बात है, जंक फूड में और अनहेल्दी फूड के हिसाब से काफी बड़े पैमाने पर जो है दायरा बढ़ता जा रहा है भारत में, और दुनिया के बाकी कोनों में भी ऐसा ही है। और अभी जो इन्होंने ये काम किया कि बॉटल्स को एक साइड पे रख दिया ना, इसके चलते कोका कोला को $4 बिलियन का नुकसान हो गया। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि ये क्या होता है, पैसा लगता है ना, जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, तो ये $4 बिलियन यहाँ पर वापस खींच लिया गया इन्वेस्टर्स के द्वारा, जब यहाँ पर ये इंसिडेंट किया गया रोनाल्डो के द्वारा। ओके, तो ये मतलब इतना नुकसान हो गया ये कोका कोला कंपनी को, $4 बिलियन काफी बड़ी रकम होती है ये। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है, रोहित ओरी है जो कि यहाँ पर ग्रुप चेयरमैन है क्रिएटिव एड एजेंसी FCB इंडिया, तो ये कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स स्टार होते हैं, तो यहाँ पर जो वो जो है ना हुज यूथ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मतलब जो जो युवा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पोर्ट्स स्टार, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। ओके, तो जैसा खासतौर पर इंडिया की बात करो तो यहाँ पर क्रिकेट है, तो यहाँ पर जब कोई भी क्रिकेटर जो अगर एड देता है तो लोग प्रभावित होते हैं, खासतौर पर यूथ प्रभावित होता है। ओके, तो अगर यहाँ पर वो इस तरीके से अगर कोई अपना मैसेज देते हैं तो यहाँ पर काफी फायदा रहता है पूरी कम्युनिटी को, पूरे यहाँ पर यूथ की अगर हम बात करें, सही तरीके से सही डायरेक्शन में फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं कि जो पॉल पोगमा रिमूव्स बॉटल ऑफ एल्केन 0.0 नॉन अल्कोहलिक बियर एट अनदर न्यूज कॉन्फ्रेंस। तो ये किसी और यहाँ पर प्लेयर की बात की जा रही है, तो उन्होंने भी यहाँ पर एक बियर की बॉटल को एक साइड पे रख दिया था, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और इसके अलावा यहाँ पर 2017 की बात हो रही है कि इंडिया के क्रिकेट टीम के कैप्टन है विराट कोहली, उन्होंने भी यहाँ पर जो उनका पेप्सी का कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिन्यू करने से मना कर दिया। और दूसरा यहाँ पर बात करें, नो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी एंडोर्सेस कोक और पेप्सी इन इंडिया नाउ। ओके, तो अभी कोई भी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज जो है ना वो कोक और पेप्सी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं इंडिया में, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। और इसके अलावा बात करके पेप्सी कंपनीज गेटोरेड स्पोर्ट्स ड्रिंक ओनली ब्रांड इन इट्स इंडिया पोर्टफोलियो एंडोर्स्ड बाय शटलर पीवी सिंधु। तो यहाँ पर बैडमिंटन के प्लेयर हैं पीवी सिंधु, तो यहाँ पर उनके द्वारा एक ब्रांड जो है पेप्सी पेप्सी को का उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ यही एक इकलौता ब्रांड बचा है भारत में जिसको कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसी प्लेयर के द्वारा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बेस पेस बढ़ती जा रही है, तो सेलिब्रिटीज जो है रीवेल्यूट कर रहे हैं सब चीजों को, कि जो ये जंक फूड्स के बारे में बात करें, जो ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बात करें, तो ये क्या ये सेहत के लिए सही है या नहीं, तो उनको पता है, सबको पता है सही नहीं। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक मार्केट बनाई गई है, तो वही मार्केट बढ़ानी है, जिसके चलते किसी ना किसी नए प्लेयर को लेकर जो है एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं।
ओके, तो अगर यहाँ पर बात डी लिंकिंग की बात की जा रही है, डी लिंकिंग सेपरेशन डॉक्यूमेंट्स विद जंक फूड स्पिलिंग ओवर टू बॉलीवुड, तो बॉलीवुड की अगर बात करें तो ज्यादातर इनके द्वारा ही ऐसी एडवर्टीजमेंट की जाती। तो ये पूरी सिचुएशन है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या ये जो इंसिडेंट हुआ ये क्या सही था या गलत था? ओके, दोनों टर्म के हिसाब से मुझे आंसर दें। जो मार्केट की बात करूं तो मार्केट में ओके, तो उतना सेहतमंद रहेंगे, जितना दूर जाते जाएंगे उतना नुकसान होता जाएगा। तो आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में? और आगे यहां पर बात हो रही है म्यांमार के बारे में। तो यहां पर एक चिन नाम का स्टेट है म्यांमार का। तो ये देखो, ये म्यांमार का पूरा पूरे देश का नक्शा है। ओके, तो ये नीचे तक, यहां तक ऐसे छोटे छोटे टापू हैं म्यांमार के, यहां तक म्यांमार फैला हुआ है। और ये चिन वाला जो स्टेट है, ये भारत के साथ इसका बॉर्डर लगता है। ओके, मिजोरम के साथ बॉर्डर लगता है। तो ये वाला एरिया का भी बॉर्डर भारत के साथ लगता है, ये वाला जो सेगेंग नाम का जो स्टेट है मिजोरम का। तो देखो, अभी इसी साल फरवरी महीने में क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया। क्योंकि तो नवंबर 2020 में इलेक्शन हुए थे अभी म्यांमार में, तो डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन हुए। तो दूसरी बार लगातार जो आंग सुन कुई थी, जो लीडर थी मिजोरम की, सॉरी म्यांमार की, तो उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन जो आर्मी थी वहां की, मिलिट्री मिलिट्री थी, उनको खतरा होना शुरू हो गया कि अगर ये मजबूत होती गई तो मिलिट्री कमजोर हो जाएगी। तो तख्ता पलट कर दिया गया, तो उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया। पूरे म्यांमार के ऊपर दोबारा से आर्मी ने कब्जा कर लिया। यहाँ पर 10 साल पहले भी सिचुएशन यही थी। ओके, तो यहाँ पर जो आंग सान सू की बात करें तो काफी लंबा समय इन्होंने जेल में गुजारा। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। तो ये उनका पूरा नाम है, आंग सान सू की इसको बोलते हैं। तो इनकी जो पार्टी का नाम है वो है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ओके, तो अभी मुद्दा क्या आ रहा है? मुद्दा ये आ रहा है कि ये जो चिन स्टेट है ना, तो अभी इनके जो सीएम है, और साथ यहाँ पर और भी यहाँ पर 23 लॉ मेकर्स, मतलब इनके जो जो एग्जीक्यूटिव हैं, या एमएलए आप कह सकते हो, तो वो भी यहाँ पर मिजोरम की ओर भागे हैं। ओके, तो इन सीएम का नाम है सलाई लियान लुई, तो ये इनका नाम है सीएम का। तो और भी जो रेफ्यूजीज हैं, तो यहाँ पर मिजोरम की साइड पे ये आए हैं। मिजोरम के यहाँ पर चंपाई नाम का रीजन है, वहां पर ये आए हैं। ओके, तो इसके अलावा बात कर रहे हैं 10,000 के आसपास जो टोटल रेफ्यूजीज ना, तो यहाँ पर मिजोरम में अभी पहुंचे हैं म्यांमार से। तो म्यांमार में मारा जा रहा है लोगों को मिलिट्री के द्वारा, जो लोग मिलिट्री के खिलाफ बगावत कर रहे हैं कि आपने तख्ता पलट क्यों किया। ओके, तो अभी मिलिट्री यहाँ पर जनता की बात कर रहे हैं कि जो पावर में आई तो उसने काफी कोहराम मचाया। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है मिजोरम गवर्नमेंट को, जब यहाँ पर म्यांमार में कूप हुआ था, कि नॉट टू प्रोवाइड शेल्टर टू रेफ्यूजीज हु फ्लेड द नेबरिंग कंट्री, मतलब कि आसरा नहीं देना है, शेल्टर नहीं देना है जो भी म्यांमार से भागकर मिजोरम में आ रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये यहाँ पर जो है बात कह रही है, लेकिन जो प्रेजेंस अभी है वो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन कुड फोर्स न्यू दिल्ली टू टेक ए क्लियर स्टैंड ऑन पॉलिटिकल एजेंडा। तो अभी पॉलिटिशियन जो है फोर्स कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्लियर स्टैंड अपना दे, क्योंकि आ रहे हैं लोग यहाँ पर, वैसे मना किया है लेकिन यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोग, रह रहे हैं मिजोरम में रेफ्यूजी आकर। ये जो लोई, जो यहाँ पर जो सीएम है ना चिन स्टेट के, तो वो उन्हीं की पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो आंग सुई की यहाँ पर पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है। ओके, तो शायद इसी की डर के चलते यहाँ पर जो है डर होगी, उनको भी शायद कहीं मारना दिया जाए, तो यहाँ पर वो आ गए हैं मिजोरम वाली साइड। और इसके अलावा बात करें कि लोकल जो एनजीओज हैव बीन प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर टू द मोस्ट ऑफ रेफ्यूजीज हु बिलोंग टू द चिन कम्युनिटी। ओके, चिन कम्युनिटी इसी इसी वाले एरिया में पाई जाती है। ओके, जो भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार। और इसके साथ यहाँ पर एथनिक टाइस भी जो ना, वो भी यहाँ पर सेम देखने को मिलते हैं मिजोरम के लोगों के साथ। ओके, तो ये भी एक कारण है कि मतलब उनकी सेवा की जा रही है। ऑल्सो नोन एज जो दे शेयर एंसेस्ट्री एंसेस्ट्री एथनिसिटी एंड कल्चर। कैपिटल क्या है म्यांमार की, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी जो हमारी ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज हैं, ओके, तो अभी उनको उनका कॉर्पोराइजेशन किया जाएगा, प्राइवेट हाथों में इनको दिया जाएगा, सरकारी कंपनीज थी ये। तो यहाँ पर बात करें कि 17 साल मतलब हो गए हैं, मतलब उनको यहाँ पर हथियार बनाते बनाते। तो कैबिनेट ने अभी क्लियर कर दिया है कि जो स्ट्रक्चर है 41 फैक्ट्रीज का अंडर द ऑर्गेनाइज फैक्ट्री बोर्ड, ओके ओएफबी, तो उनको अभी कॉर्पोराइजेशन उनका कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन उनका होगा। ओके, तो यहाँ पर उनको 7 अलग अलग कंपनीज में तोड़ा जाएगा। इन यहाँ पर जो 41 फैक्ट्रीज है, 7 अलग अलग कंपनीज में तोड़ा जाएगा उनको। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर
जो सर्विस कंडीशंस हैं एम्प्लॉयज की, उसमें कुछ बदलाव यहाँ पर अभी नहीं किया जाएगा फिलहाल। तो इसमें फायदा क्या होगा इसके इस तरीके से यहाँ पर उसका कॉर्पोरेशन करने का, तो वो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये बात कही जा रही है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जितना काम दिया गया वो सही समय में तय समय में बनकर मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करने का ये फायदा होगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है सरकार के द्वारा। और गवर्नमेंट की आगे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे फास्ट पेस प्लान यहाँ पर सरकार के पास है, कैसे जो है स्ट्रक्चर जो है उसमें बदलाव लाया जाएगा। पिछले साल से यहाँ पर काम किया जा रहा है। और मिलिट्री की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर बात कह रही है कि यहाँ पर जो रिलायबल सप्लाई जो है ना एम्युनिशन का, उन्हें चाहिए, मतलब ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस करने के लिए मिलिट्री को यहाँ पर हथियार चाहिए होते हैं। तो जब भी ऑर्डर करते हैं ना, तय समय पर इनको नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर ओएफबी के पास ही ऑर्डर जाते हैं, ऑर्डर फैक्ट्रीज के पास ही ऑर्डर जाते हैं जो गन्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो भी आर्मी को गन्स सप्लाई होती है यहीं से बनकर जाती है, अगर नहीं यहाँ पर सप्लाई हो पाती फिर बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं, जैसे इसराइल से मंगवा ली। ओके, तो इस तरीके से हम जो है मैनेज करते हैं उस समय। तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर मिलिट्री को आ रहे थे। ओके, तो जिस तरीके से अभी ओएफबी फंक्शन कर रहे थे, ओके, तो अभी उनकी इनएबिलिटी थी, ओके, तो मतलब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट वो नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, इनएबिलिटी टू अब्सॉर्ब टेक्नोलॉजी डेवलप बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो डीआरडीओ जिस तरीके से रिसर्च करके इनको चीजें दे रही थी, उस तरीके से ये टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं टेक्नोलॉजी को ना अब्सॉर्ब कर पाने के, जैसे हो सकता है कि प्राय इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो मशीन चाहिए, ओके, जो जिस तरीके से फंडिंग चाहिए, तो वो सब सब कुछ इनके पास ना हो, पर्याप्त मात्रा में ना पहुंच पा रहा हो। ओके, तो ये इसके चलते अभी इनका प्राइवेटाइजेशन होगा। और इसमें से आगे बात कर रहे हैं कि अंडर द रिफॉर्म स्टेप 7 न्यू गवर्नमेंट ऑन कॉर्पोरेट एंटाइटीज विल बी क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ पर 7 अलग अलग कंपनीज बनाई जाएंगी, विल बी क्रिएटेड ऑन द लाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें, तो इनमें भी यहाँ पर ना अभी कॉर्पोरेशन इनका हो चुका है, प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर्स इसमें अभी घुस चुके हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इनका भी इसी तरीके से काम किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अभी बात कर रहे हैं कि जो एंटाइटीज हैं विल बी एंगेज टू स्पेशलाइज वर्क लाइक एमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हथियार होते हैं, ओके, एक्सप्लोजिव बनाया जाता है, व्हीकल्स, वेपन्स, ट्रू कम्फर्ट, ओके, इसके अलावा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और पैराशूट्स हो गया, तो ये सब चीजें यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो आप इसको भी देख सकते हो, वैसे मैंने सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर दी है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक बिल जो है ना कैबिनेट के द्वारा उसको ओके कर दिया गया है टू रेगुलेट इनलैंड वेसल्स। ओके, तो वेसल्स जो इनलैंड जो यहाँ पर चलाए जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो इससे क्या होगा, सेफ्टी सिक्योरिटी जो है ना वेसल्स की, उसको इंश्योर किया जाएगा जो यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज में जो चलाए जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर सब्सिडी जो है उसको भी हाइक करने की बात कर रहे हैं, जो डीएपी जो एक फर्टिलाइजर होते हैं उसकी सब्सिडी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कि इनलैंड वेसल बिल, ध्यान रखिएगा, तो ये स्ट्रीमलाइन करेगा, रेगुलेट करेगा इनलैंड वाटरवेज के यूज को, और यहाँ पर उसके उसको एज ए यूज करना ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड करने के लिए। ओके, तो भारत में ना इनलैंड वाटरवेज का निर्माण अभी चल रहा है। ओके, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे। तो आगे यहाँ पर बात करेंगे, सब्सिडी जो है डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको बोलते हैं, डीएपी खाद बोलते हैं, और भी जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर उसको भी यहाँ पर जो है बढ़ाया जा रहा है। 14,775 करोड़ जो है ना, इतना यहाँ पर पैसा अप्रूव किया गया है यहाँ पर डीएपी खाद के लिए, जो सब्सिडी दी जाएगी उसके चलते। तो ये जो खाद है इसका इस्तेमाल होगा, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स है फॉर फार्मर्स, तो कम से कम यहाँ पर देखो ज्यादा पैसा सरकार दे रही है, तो जब किसान खरीदेगा तो कम से कम पैसा लगेगा उसका, तो खरीदेगा लगाएगा तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, तो इसलिए यहाँ पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर बात की जा रही है, अभी पार्लियामेंट में ये बिल जो है ना इसको पेश कर दिया जाएगा। ओके, सबसे पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया कि बिल लाया जाएगा, पार्लियामेंट में लाया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किसमें आता है, लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, जिसमें भी आता है दोनों सदनों से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर ये एक्ट होगा। तो अगर भारत में जो इनलैंड वाटर बेस है उनकी लंबाई की बात करें ना, तो वो 4,000 किलोमीटर की लंबाई इनकी है। तो अभी जो ऑपरेशनल है कि जहां पर शिप को जो है चलाया जा सकता है, सबसे बड़े वाला जो नेशनल वाटर वे है वो नेशनल वाटर वे 1 है, ओके, जो कि कलकत्ता की हुगली वाली जगह से शुरू होता है और अलाहाबाद तक जाता है, गंगा के ऊपर हम नेविगेशन कर रहे हैं। ओके, वहां पर भी अभी शिप चलने शुरू हो गए, काफी मतलब समय लगा इस प्रोजेक्ट को बनते बनते।
और अगर मैं भारत की कोस्टल लाइन की बात करूं, तो कोस्टल लाइन की जो यहाँ पर लंबाई है वो 7500 किलोमीटर से ऊपर है। ओके, इनलैंड वाटरवेज की जो यहाँ पर लंबाई है 4000 किलोमीटर की, अभी ये ऑपरेशनल जो है, इससे ज्यादा ही है, अभी काम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली वेसल्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो यही यहाँ पर रीजन है। और यहाँ पर जो कैबिनेट है, जो हमेशा कैबिनेट की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही चेयर की जाती है, यहाँ पर प्रपोजल जो दिया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा दिया गया था, इन वेसल्स जो यहाँ पर वेसल्स का, इनलैंड वेसल का जो बिल लाया गया है। और यहाँ पर साथ ही साथ डीप ओशियन मिशन की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डीप ओशियन मिशन की साथ भी यहाँ पर जो लिंक है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ही है। ओके, विद द व्यू टू एक्सप्लोर डीप ओशन फॉर रिसोर्सेज, डेवलप डी सी टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। तो अभी देखो भारत के आसपास का जितना भी यहाँ पर इंडियन ओशन है, तो जहां तक भारत अप्रोच कर सकता है, तो जो भी यहाँ पर चीजें पाई जाती है समुद्र के जो सतह है वहां पर, तो उसकी ऊपर रिसर्च की यहाँ पर रिसर्च के लिए डीप ओशन मिशन बनाया गया था। ओके, तो ये भी कुछ समय पहले यहाँ पर शुरू हुआ था। तो इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस मिशन की, अभी मैं डीप ओशन मिशन की बात कर रहा हूँ, तो ये 4077 करोड़ के आसपास होगी। 5 सालों का ये यहाँ पर मिशन है, तो यहाँ पर फेजेस मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट फेज में जो कॉस्ट आएगी, फर्स्ट फेज का टाइम जो है वो 2021 से 2024 है, तो ये 2823 करोड़ के आसपास इसकी लागत आएगी। और डीप ओशन मिशन की बात करें, तो एक मिशन मेड प्रोजेक्ट होगा टू सपोर्ट ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव। ओके, जिसके चलते जो समुद्र का पानी है ना वो सही रहे, मतलब तो उसकी इकोसिस्टम को हमने सही करना है। ओके, तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है वो नोडल इंडस्ट्री है। ओके, तो यहाँ पर इस डीप ओशन मिशन की अगर बात करें, तो इस मिशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, डीप सी माइनिंग, जैसे माइनिंग करते हैं ना, जैसे कोयला निकालते हैं माइनिंग करके, तांबा निकालते हैं, उसी तरीके से डीप सी माइनिंग होगी, जिस वहां पर भी जो प्रोडक्ट जो चीजें मिलती है वो हम कर सकेंगे, उससे काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलेंगे और पूर्ति हम कर सकते हैं बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की जो हम यहाँ पर जमीन से निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैन सबमर्सिबल मतलब एक इंसानों को यहाँ पर उतारा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, तो ये भी बनाई जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ओशन के क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। ओके, ओशन का जो क्लाइमेट चेंज उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी उसको भी ध्यान में रखकर हम चलेंगे। ओके, तो पहले से पता चलता जाएगा जो हमारा IMD है, ओके, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कि क्या यहाँ पर सिचुएशन रहेगी वेदर की, और क्या प्रभाव पड़ रहा है जो ओशन में क्लाइमेट चेंज का, क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना स्तर पानी का बढ़ता जा रहा है, तो ये भी पता चलता जाएगा। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यहाँ पर की जाएंगी, एक्सप्लोरेशन होगा, कंजर्वेशन होगा डीप सी बायोडाइवर्सिटी का, डीप ओशन सर्वे यहाँ पर एक्सप्लोरेशन जो है वो की जा सकती है, एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, एडवांस मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर मरीन स्टेशन भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, तो ये सब काम किए जाएंगे डीप ओशन मिशन के तहत। सभी बातें आपको उसका ओवरव्यू जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर पूरी लिस्ट है नेशनल वाटरवेज की, कुल लंबाई यहाँ पर 4500 किलोमीटर की है, तो यहाँ पर टोटल जो स्टेट्स जिनको सर्विस मिलेगी यहाँ पर वो 15 है। तो ये देखो सबसे बड़ा जो यहाँ पर नेशनल वाटरवे, वो नेशनल वाटरवे 1 है, तो 1620 किलोमीटर की उसकी लंबाई है, और यहाँ पर ये गंगा रिवर के ऊपर है ये। ओके, तो हल्दिया तो अलाहाबाद ही है ये। ओके, ये देखिए ये हल्दिया कोलकाता के पास यहाँ पर जगह है, तो वहां से निकलता हुआ ये अलाहाबाद तक अभी ये जो है वाटरवे बनाया जाएगा, मतलब जो शिप यहाँ पर समुद्र तक रहते हैं तो यहाँ तक पहुंचेंगे, इस वाले एरिया तक पहुंचेंगे, और इसी के चलते नेशनल वाटरवे 2 है। ओके, तो ये धुबरी से लेकर सदिया नदी जो है ना, तो वहां तक जो है उन किनारे तक ये बनेगा, सदिया और यहाँ पर धुबरी, तो यहाँ पर ये पूरा लिंक है, तो पूरा का पूरा ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये जिसके ऊपर ये बनाया जा रहा है अभी, 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो स्टेट्स होंगी असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तो सभी को इसका फायदा मिलेगा। और इसके अलावा नेशनल वाटरवे 3 की बात करें, तो ये वेस्ट कोस्ट कनाल है, कोलम से कोटापुरम, 205 किलोमीटर की लंबाई है, केरला में ही ये रहेगी क्योंकि केरला के अंतर्गत। चौथे नंबर पर बात करें तो गोदावरी कृष्णा कनाल, तो यहाँ पर काकीनाडा टू पौडुचेरी, तो 1078 के आसपास जो है इसका लंबाई है, तो दूसरा लंबा आप इसको कह सकते हो जो इसकी लंबाई है। ओके, तीसरे नंबर पर आप जो है इसको कह सकते हो, और यहाँ पर 5वें नंबर पर है ब्राह्मणी डेल्टा कनाल। ओके, तो ये ओडिशा के आसपास की जो जगह है तो वहां पर ये बनेगा। ओके, और गोयनकाली टू तालचेर, तो ये जो नदी है ना, दो किनारे जो है इसको यहाँ पर आपस में जोड़ा जाएगा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये दो राज्य आपस में सर्विस लेंगे इससे। और यहाँ पर 6ठे नंबर पर बराक नदी है,
ओके, तो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, तो ये लखीपुर टू भंगा, तो ये अभी इन प्रोसेस है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। तो ये पूरा का पूरा नेशनल वाटरवेज का स्ट्रक्चर है जो भारत में अभी भी डेवलप हो रहा है, बन रहा है, लेकिन कुछ बन चुका है, 4,000 किलोमीटर तक का बन चुका है, बाकी का अभी बन रहा है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं एडिटोरियल नंबर 1 जो है उसकी, तो उसमें बात करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हुए भारत में अभी 30 साल पूरे हो चुके, तो अभी 30th एनिवर्सरी जो है हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया था। काफी अच्छे से इस आर्टिकल को जो है डिस्कस किया गया है यहाँ पर, तो अभी उसी को हम शुरुआत करते हैं उसकी। तो शुरुआत में बात करेंगे, अभी लिटिल ओवर ए मंथ फ्रॉम नाउ, तो अभी इससे सिर्फ 1 महीने के आसपास का ही यहाँ पर समय बचा है कि 30th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत में लागू किए गए। ओके, और भी यहाँ पर बहुत चीजें हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे डी लाइसेंसिंग कर दी गई, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे, लाइसेंस मतलब अभी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं सरकार से, तो ये 1991 की बात करें तो ये करना पड़ा भारत को। ओके, जिस तरीके से कि प्राइवेटाइजेशन बढ़े भारत में, कॉम्पिटिशन बढ़े, ग्लोबलाइजेशन बढ़े, बाहर का सामान भी यहाँ पर आए बिके, यहाँ का सामान भी बाहर जाए बिके, तो यहाँ पर कारोबार बढ़े। ओके, तो यहाँ पर एक कमांड कंट्रोल एरा से मतलब रिमाइंडर हमें बताता है, जैसे पहले हम क्या करते थे, 1991 से पहले ज्यादातर इकोनॉमी सरकार के कंट्रोल के अंतर्गत होती थी, जैसे हम स्टेट इकोनॉमी बोलते हैं ना, जहाँ पर राज्य सरकारें ही सब कुछ करती हैं। अगर यहाँ पर जो है दाम ज्यादा है, सरकार खुद में इंटरवीन करती है, तो सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पर सस्ती चीज जो है प्रोवाइड करती है देश के लोगों को। तो अभी इसी दायरे से बाहर आए हम, स्टेट इकोनॉमी के मॉडल से थोड़ा बाहर आए, सोशलिज्म का जो जो ट्रेंड है यहाँ पर चलाया गया था, तो उससे बाहर आए। ओके, तो यहाँ पर अभी जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, जैसे कैपिटलिज्म की बात करें, तो उनको बढ़ावा दिया गया कि इन्वेस्टमेंट करें, कारोबार खोलें और नौकरियां बढ़ाएं। और आगे बात कर रहे हैं, पॉप हिस्ट्री हैज इट्स जुलाई 24, 1991, तो ये जुलाई 24 था जब यहाँ पर ये रिफॉर्म लाए गए, तो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उनके द्वारा बजट अनाउंस किया गया था उस समय। तो यहाँ पर आउटलाइन दिए गए थे उस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जब ये बजट अनाउंस किया गया था, तो यही उसी समय यहाँ पर यही डेट जो है स्टार्टिंग पॉइंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। और तो यहाँ पर बात करी मैंने रुडिमेंट्री स्कॉलरली एनालिसिस जस्ट अदरवाइज। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत हो रही है, यहाँ पर बात करेगी इटैल, तो कहने का मतलब है कि जब इंदिरा गांधी का रूल था, तो उस समय ज्यादातर यही जोर दिया जा रहा था, उनसे पहले जब उनके पिताजी की जो सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की भी बात करें, तो पॉपुलिस्ट यहाँ पर एजेंडा था कि लोगों का मतलब सोशलिज्म जो है ना, लोगों का भला करना है, उस तरीके से सरकार का काम यही है। ओके, तो जब सिर्फ इसी अदारे के हिसाब से आगे बढ़ना है, प्राइवेट प्लेयर्स को आगे उनको कैसे एंटीमेट करना है, ग्लोबलाइजेशन करे, तो उसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया उस समय। तो यही सोचा जाता था कि जो भी कारोबार भारत में डेवलप हुआ है, तो उसका जो है ना दायरा भारत तक ही रखा जाए, भारत में ही चीज बने और भारत में ही वो चीज बिके, और सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में ही चलता रहे। और इसी के चलते जो रुपया था, वो भी एक तरीके से सरकार के कंट्रोल के अंतर्गत ही था कि 1 डॉलर में कितने रुपीज बने। ओके, तो जब ग्लोबल मार्केट में वैल्यूएशन देने के लिए रुपया निकालेंगे नहीं, तो तब कैसे पता चलेगा कि मार्केट के हिसाब से क्या वैल्यूएशन बनती है हमारे रुपीज की। तो ये उस समय का सिनेरियो था। और आगे यहाँ पर बात करें, यस इफ द क्वेश्चन इज वेदर 1991 वाज द फर्स्ट टाइम द कंट्री विटनेस द बर्स्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ सच मैग्नीट्यूड, देन इंडीड द आंसर इज इन द अफर्मेटिव। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, अगर सवाल पूछा जाए कि 1991 में ही पहली बार यहाँ पर देश में ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए बड़े पैमाने पर, एक तूफान लाया गया बड़े पैमाने पर, तो ये सही है। और तो यहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला, हमारी जो इकोनॉमिक सोच थी उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, यहाँ पर 6th 5-year plan की बात कर रहे हैं, जो कि 1981 से चला 1984-85 तक। ओके, तो ये पहली बार जब इस समय शुरुआत इस यहाँ पर इस 5-year plan की इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में हुई, तो उन्हीं के द्वारा जो था इसको फॉर्मुलेट किया गया इस प्लान को, कि ये जो 5-year plan होता है, इसमें पूरा देखते हैं कि आने वाले समय में 5 सालों में किन किन जो है ना मेन जो इश्यूज है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, चाहे गरीबी के ऊपर कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं, साफ पानी के ऊपर कर रहे हैं। ओके, तो मतलब कनेक्टिविटी के ऊपर कर रहे हैं, तो ये पूरा एक जो है स्ट्रेटजी तैयार की जाती है अगले 5 सालों की। जैसे अभी की बात करें, तो अभी डिजिटल
जो है ना टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कैसे काम करें, तो एक अलग अलग इदारे में डिजिटली हम जो है कैसे लोगों तक अपनी बात रखें, डिजिटली लोग यहाँ पर अपने आप को एम्पावर करें, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है अभी का जो प्लान चल रहा है, 5 ईयर प्लान चल रहा है। ओके, तो ये समय के हिसाब से होता है कि फ्यूचर किस तरीके का हो सकता है, उस हिसाब से फॉर्मुलेट किया जाता है 5 ईयर प्लान। तो अभी बात करें, दिस वॉज प्रेजेंटेड बाय द इंटेलेक्चुअल डिबेट इन 1970s। तो शुरुआत में यहाँ पर 1970s में जो डिबेट हुई थी, तो उसमें उस समय यहाँ पर कह रहे कि शुरुआत हुई थी इन सब बातों की, फॉलोइंग द रियलाइजेशन दैट ए कमांड कंट्रोल रिजीम वाज नॉट डिलीवरिंग एंड ए पाइवट टू मार्केट बेस्ड इकोनॉमी एज इंपेरेटिव। यहाँ पर ये चीज रियलाइज हुई धीरे धीरे सबको, ये जो कमांड कंट्रोल रिजीम है, मतलब सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करके चल रही है ना, सबको यहाँ पर लाइसेंस इशू कर रही है, तो अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, तो सरकार ही कंट्रोल कर रही थी, बाहर का कॉम्पिटिशन तो कोई तो था नहीं उस समय, तो ये सही नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो चीजें एक तरीके से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को आगे प्रगति देने के लिए चाहिए, तो उस तरीके से ये जो कमांड कंट्रोल रिजीम वो सही नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो माइंडसेट है उसको रीसेट करना पड़ेगा, टॉप जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके साथ, हैड ऑलरेडी बिगन बट स्टेड अंडर रेस्ट। तो यहाँ पर शुरुआत तो पहले से ही कर दी, माइंड में शुरुआत हो गई, प्लान यहाँ पर बनने शुरू हो गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आते आते यहाँ पर 1991 का यहाँ पर समय आ गया। और आगे बात करें कि सेकेंड ऑयल शॉक यहाँ पर हुआ था 1979 में, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। तो यहाँ पर भारत में अभी देखो अभी भी ज्यादातर डिपेंडेंसी है ऑयल के क्षेत्र में, अगर ये सऊदी जो अरब कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज है, वहीं से हम इम्पोर्ट करते हैं तेल को। ओके, तो अगर नहीं करें ओके तो बात नहीं बनेगी, कारोबार नहीं चलेगा। ओके, तो करना पड़ता है, तो उसी की दादागिरी ये भी जो देश है दिखा देते हैं कई बार भारत को। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना भारत सरकार भी फोकस करे कि ईवी व्हीकल्स के ऊपर फोकस करें हर एक क्षेत्र में, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो जो बड़े ट्रक्स बसेस हैं, जो छोटी जो कार्स वगैरह आप चलाते हो, बाइक्स वगैरह चलते, सब जगह यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो। इसीलिए यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के जो मिनिस्टर है वो भी कह रहे हैं जो टेस्ला के सीईओ के, जल्द से जल्द अपना प्लांट लगाएं अपनी टेस्ला कार कंपनी का भारत में। हम चाह रहे हैं कि एनवायरमेंट को भी हमने देखना है, और यहाँ पर जो है जो कार वगैरह है, जो हमारा ऑयल जो हम इतने पैमाने पर खरीदते हैं, तो उसको भी हमने कम करना है। ओके, तो वही बात करें, तो अभी सेकेंड शॉक एक आया था ऑयल शॉक 1979 में, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन हिल गई पूरी भारत की। ओके, तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है जिसमें से पैसा खर्चा कर करके जो जिस सब चीजें की करता था भारत, खरीदता था तेल उस समय, तो इंडिया को ये चीज पता चल गई थी कि दैट वुड हैव टू लीन ऑन द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो यहाँ पर जो IMF है, तो उसके साथ हमें यहाँ पर जो है रिलाई करके चलना पड़ेगा फॉर ए बेल आउट विद द कंडीशनलिटीज, मतलब कि जिस तरीके से IMF हमें बताएगा ना, हमें उसी तरीके से आगे निकलना पड़ेगा। तो अभी देखो हुआ क्या था 1991 के आसपास भी, तो हमारा जो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, तो वो सिर्फ इतना पैसा बचा था उसमें कि आने वाले 2 हफ्तों का ही तेल हम इम्पोर्ट कर सकते थे, सिर्फ इतना पैसा बचा था। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी बढ़ चुका है, तो $600 बिलियन का जो मार्क है उसको क्रॉस कर चुका है, मतलब कि इतना पैसा अभी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ा है कि आने वाले 13, 14, 15 महीने तक हम जो है तेल जो है ना वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी उस समय सिचुएशन ये थी 1991 के आसपास की सिर्फ 2 हफ्तों का पैसा बचा था। तो अभी फिर उस समय क्या होता है, IMF का मतलब ही है, ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बनाया गया था ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में पहले। इसको इसलिए बनाया गया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन सही रखनी है सभी कंट्रीज में, अगर कोई कंट्री दिवालिया होने की कगार पर आ रहा है, ऐसा ऐसी कगार पहुंच रही है कि यहाँ पर फाइनेंशियल एमरजेंसी लग सकती है किसी देश में, तो उस समय कुछ कंडीशंस के ऊपर ये बेल आउट करता है, पैसा देता है फिर खुद से, लेकिन साथ में कुछ कंडीशंस भी रखता है कि फर्दर जो है ना आपकी इकोनॉमी का ढांचा कैसा रहने वाला है, तो उसको भी यहाँ पर भारत ने माना था। तो जैसे कि अपनी इकोनॉमी को खोलो, यहाँ पर लाइसेंस जो है आप देते हो उसको आप साइड पे रखो, डी लाइसेंस करो। ओके, तो अब सभी अदारों को, ज्यादातर अदारों को जो है आप आने दो भारत में इन्वेस्टमेंट करने दो, तो दायरा बढ़ेगा मार्केट का, जितना दायरा बढ़ेगा मार्केट का, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से टैक्स भी बढ़ता जाएगा भारत सरकार के पास, जो रेवेन्यू वो भी बढ़ता जाएगा, तो काफी फायदा है। ओके, तो पहले भारत सरकार ऐसा नहीं सोचती, सिर्फ टैक्स लगा जो पैसा है सिर्फ उसी के चलते सरकार चलाओ, नहीं तो लोन के ऊपर पैसा लेते जाओ सरकार चलाते जाओ, पहले ये सिचुएशन थी। आगे बात करें कि जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई 1980s में, तो यहाँ पर जो टीम थी डोमेस्टिक पॉलिसी मेकर्स की, तो यहाँ पर सिनेरियो बनाया उस समय उन्होंने। ओके, तो यहाँ पर देखा गया कि पोटेंशियली जो बैंकरप्सी है, दिवालिया मतलब जो है हो सकता है, किस तरीके का सिनेरियो होगा फ्यूचर में भारत का, तो उन्होंने यहाँ पर कन्विंस किया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, इंडिया वुड बी बेटर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग चेंज ऑर्डेन्ड डोमेस्टिकली रेदर देन फॉलो द डिक्टेट ऑफ IMF। तो उस समय ये कहा,
और आगे यहाँ पर बात करें, जो सबसे यहाँ पर जो बड़ी चीज है और जो चाबी है वो टाइमिंग की है, कि कौन सी टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर रिफॉर्म लाए गए, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इंडिया यहाँ पर जो है क्राइसिस को यहाँ पर ओवरटेक कर सकता है और यहाँ पर IMF को अप्रोच कर सकता है, ओके। लेकिन शुरुआत यहाँ पर इंडिया खुद से करे, ऐसा नहीं कि हम दिवालिया हो गए तब यहाँ पर IMF की अप्रोच करें और उसका जो जो कंडीशंस उसको मानकर आगे चले। पहले से ही हम यहाँ पर बदलाव लेकर आए अपनी इकोनॉमी में और यहाँ पर बाद में IMF को अप्रोच करें, पैसा ले और इकोनॉमी को आगे बढ़ाते जाए। ओके, तो यहाँ पर अपना पॉलिसी चेंज जो है ना वो यहाँ पर पेश करें, ना कि उनकी नेशनलिटीज की, जो वो कंडीशन दे रहे हैं वो क्या है। तो आगे यहाँ पर जो पोलिटिकल सेंसिटिविटी जो बढ़ती गई इसके रिगार्डिंग, खासतौर पर जो लेफ्ट पार्टीज की अगर बात करें तो उनकी भी काफी तादाद होती थी, तो अभी तो ये जीरो पे आ गए हैं। तो लेफ्ट पार्टी ज्यादातर बंगाल से उठकर आती थी, ओके। तो यहाँ पर काफी सीट्स लोकसभा की ये जीत जाते थे अपने समय में। तो बंगाल में तो इन समय में लेफ्ट पार्टी की सरकार थी सत्ता में, जहां पर अभी ममता बनर्जी की सरकार बनी है, अभी तीसरी बार सरकार उनकी बनी है। लेकिन इससे पहले 2011 से पहले लेफ्ट पार्टीज की ही सरकार थी और वो 35 साल तक लगातार यहाँ पर रूल किया है वेस्ट बंगाल पे उन्होंने, और यहाँ पर काफी लोकसभा की सीट्स भी निकलती हैं, तो अच्छा खासा मतलब सीट्स लेकर ये आ जाते थे पार्लियामेंट में। और कई बार जब गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं होती थी उस समय ये भी दिखाते थे कि हमारी जो है सपोर्ट से ही आपकी सरकार चल रही, तो ये कई बार नहीं मानते थे जो सरकार यहाँ पर करती थी। ओके, तो काफी इनके भी ना अपने एजेंडे रहते थे, तो उस समय यहाँ पर सेंसिटिविटी यहाँ पर दिखाई गई। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज ने भी यहाँ पर देखा। ओके, तो अपने हिसाब से जो यहाँ पर जो उस समय जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो बिल्कुल ध्यान से सही तरीके से यहाँ पर उसको कैलिब्रेट किया गया था। उस समय की बात करें इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के हिसाब से, तो आइडियोलॉजिकल रीसेट उस समय यहाँ पर रीड्राफ्ट किया गया था। तो ये बात करें कि 6th जो 5 ईयर प्लान था उसी समय ये हो गया था। लेकिन आगे बात करें सिंगल स्क्रीन, तो यहाँ पर बात हो रही है कि सिग्निफिकेंटली जो कॉन्टिन्यूटी थी तो यहाँ पर बढ़ती गई 1980 से 1991 तक, सिचुएशन और बदतर होती गई। ओके, भारत की इकोनॉमी की, यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसकी भी, तो जो मेंबर सेक्रेटरी यहाँ पर थे ऑफ प्लानिंग कमीशन दैट फॉर्मुलेटेड 6th 5 ईयर प्लान वॉज मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान बना था छठा, उसके एक मेंबर थे उस समय मनमोहन सिंह। ओके, ये भी ध्यान रखें, एंड द सेम टेक्नोक्रेट हु हैज FM इन 1991 बिकेम द लाइटनिंग रॉड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो यही बात कर रहे हैं कि वही टेक्नोक्रेट थे, वही यहाँ पर ब्यूरोक्रेट थे जो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने 1991 में। ओके, तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इनको यहाँ पर कहा जाता है कि लाइटनिंग रॉड ये लेकर आए थे। तो शड़ी मतलब उजाले की यही लेकर आए थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो ये भी बात कहते हैं मनमोहन सिंह की एक्सीडेंटली उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो उस समय ये UGC के चेयरमैन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होती है उसके चेयरमैन थे। तो यहाँ पर उस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद PV नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी कांग्रेस की, और उन्होंने अपॉइंट किया था मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आप ही जो है इस इकॉनमी को ढांचा जो है उसको सही तरीके से आगे बढ़ाना है। और आगे बात करें कि याद करो दिस वॉज द 1980s एंड आइडिया ऑफ रिफॉर्म्स वॉज पोलिटिकली इनकरेक्ट। ओके, तो उस समय जब ये आइडिया लिया गया तो उस समय पोलिटिकली वो गलत थे लोग। ओके, जो वो कह रहे थे कि हम खुद से सही कर लेंगे, यहाँ पर IMF की जो है कंडीशनलिटीज के ऊपर निर्भर होने की हमें जरूरत नहीं है। तो लैंग्वेज ऑफ चेंज हैड बी टेम्पर्ड। ओके, तो यहाँ पर जो बदलाव लाया गया, ओके, तो यहाँ पर बदलाव की भाषा जो थी उसको यहाँ पर टेम्पर्ड किया गया। ओके, आगे बात कर रहे हैं, येट टू द डिसर्निंग आई इट डिड नॉट कंसील द इंटेंट ऑफ अंडरटेक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से चेंज बदलाव आना चाहिए था 1980s के बाद, जो ये एक्सपेक्टेशन जो की जा रही थी उस समय ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, तो वो हो नहीं पाया। तो पहली बार करें फॉर द फर्स्ट टाइम एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिस्कस्ड पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। तो पहली बार पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सरकार के द्वारा डिस्कस किया गया। ओके, हैंड्स ऑफ टिल देन गिवन दैट दे वर कंसीडर्ड द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी। और उसी के चलते यहाँ पर आगे जो भारत की इकोनॉमी की प्रगति है उसके ऊपर यहाँ पर वो आगे बढ़े, उसको यहाँ पर कंसिडर किया गया, फोकस किया गया। और आगे बात करें, नॉट ओनली डिड द प्लान कॉल फॉर द मैनेजमेंट ओवरऑल। तो यहाँ पर सिर्फ मैनेजमेंट को सही करना, सिर्फ उसके रिगार्डिंग ये प्लान नहीं था जो उस समय ये जो रिफॉर्म्स लाए गए, बट इट ऑल्सो मेड द केस अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल प्राइसिंग पॉलिसीज। ओके, तो जो नीतियां है ना तो वो भी सही हो। ओके, तो यहाँ पर प्राइसिंग पॉलिसीज की बात करें वो भी सही हो, उसके ऊपर भी फोकस किया गया इस प्लान के तहत, जिसके चलते यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ द ट्रू अंडरलाइंग इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब कि क्या खर्चा हमारे आम पॉपुलेशन को यहाँ पर पहुंच रहा है किसी भी प्रोडक्ट को वो जब अवेल कर रहे हैं, ले रहे हैं। सो इट वुड बी नेसेसरी फॉर दीज अंडरटेकिंग्स टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू ए वर्जन ऑफ टैरिफ्स, वाटर चार्जेस, टैक्सेस एंड अदर सस्टेनेबल मेजर्स द प्लान डॉक्यूमेंट्स है। तो ये प्लान जो समय लाया गया था तो उस समय यही बात कह रहा था कि ये जरूरी है कि यहाँ पर अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सही करना है तो यहाँ पर रिवाइज करो जो आप टैरिफ लगा रहे हो,
जो इसके अलावा जो चार्जेस वगैरह आप लगा रहे हो, वाटर चार्जर, टैक्सेस वगैरह जो भी आप ले रहे हो, और जो भी और सुटेबल मेजर्स हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करो, सही करो। और बात करें इंटरेस्टिंगली प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, तो कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान फॉर्मुलेट किया गया। ऑल्सो मेड आउट ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग भी अच्छा केस इन्होंने यहाँ पर बना दिया। तो अगर अभी की बात करें, टुडे दे मे हैव लाइंड अप बिहाइंड द प्रोटेस्ट, ओके, और पंजाब फार्मर्स, ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो ये कांग्रेस पार्टी है अभी उन पंजाब फार्मर्स की सपोर्ट कर रहे हैं जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत ऐसे रिफॉर्म्स की कांग्रेस के द्वारा ही की गई थी, ओके, तो ये बात की जा रही है। और 1980s की बात कर रहे हैं, दे आर्ग्यू दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सब्सिडीज एंड प्रोक्योरमेंट हैड फेवर्ड द लार्ज फार्मर्स, ये यहाँ पर कांग्रेस की बात की जा रही है 1980s में, कि जिस तरीके से सिस्टम अभी एमएसपी का डेवलप हो चुका है, सब्सिडीज यहाँ पर दी जा रही है जैसे फर्टिलाइजर के ऊपर दी जा रही है, इसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट सरकार खरीद करती है, ओके, गेहूं की, चावल की, पंजाब और हरियाणा वाले एरिया से, तो यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो फार्मर्स है ना, यहाँ पर बात की जो लार्ज फार्मर्स हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर फेवर किया जा रहा है, ये बात समझे। यहाँ पर छोटे फार्मर्स नहीं, जो बड़े फार्मर्स हैं उनको फायदा पहुंच रहा है, तो ये 1980s में यहाँ पर आर्गू किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सो इट इज देयर नेसेसरी टू कंसीडर मेजर्स फॉर रेजिंग एडिशनल रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके, तो यहाँ पर ये जरूरी है कि और एडिशनल रिसोर्सेज हम यहाँ पर रेज करें, ओके, फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड इंट्रोड्यूसिंग ए मेजर और प्रोग्रेसिविटी इन एग्रीकल्चर टैक्सेशन, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगे, इस तरीके से हम जो है आगे बढ़े, प्रोग्रेस लेकर आए इस चीज के ऊपर, लेकिन ये कभी हुआ नहीं। तो ये बातें तभी कही गई लेकिन अभी ये हो नहीं पा रहा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगता है, ओके, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर इनकम निकल कर आती है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, लेकिन भारत में ऐसा टैक्स नहीं है, ओके, तो इसलिए भारत जो है चाह रहा है कि अपनी इकोनॉमी को सर्विस सेक्टर में तब्दील किया जाए, तो उसके ऊपर फोकस काफी है। तो काफी बड़ा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता था, लेकिन अभी थोड़ा कम होता जा रहा है जितने यहाँ पर साल गुजरते जा रहे हैं। और फर्दर यहाँ पर बात करें कि पहली बार यहाँ पर एक्नॉलेज किया गया डेट द लाइसेंसिंग राज वॉज नॉट रिलेटिंग द डिजायर्ड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर जो लाइसेंसिंग राज जो सरकार अपने कंट्रोल में रखकर चल रही थी सभी सेक्टर्स को, तो वो डेवलपमेंट उसके चलते नहीं हो पा रही है, करप्शन बहुत ज्यादा हो जाती थी उस समय, तो यहाँ पर इंस्पेक्टर राज उसको कहते थे, यहाँ पर जो लाइसेंस जिस कंपनी को मिला है किसी भी यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में वही आगे ऑपरेट कर पाएगी, तो यहाँ पर सरकार ने बाधाएं बनाकर रखी हुई थी उस समय। लेकिन बाद में जब 1991 के रिफॉर्म्स आए तो कुछ गिने चुने सेक्टर्स में लाइसेंस रखा, बाकी में मतलब जो है एलिमिनेट कर दिया लाइसेंस को। तो यहाँ पर लाइसेंस पहले ऐसा होता था कि बहुत सारी कंपनीज ऐसे ऑपरेट होती थी जो लाइसेंस इनके पास होता नहीं था, लेकिन वो प्रोडक्शन शुरू कर देती थी, तो बाद में इंस्पेक्टर जाते थे तो यहाँ पर पहचान करने की क्या गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, तो उनको रिश्वत दे दी जाती थी, करप्शन हो जाती थी, तब यहाँ पर जो क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता था, तो इस तरीके से खराब हो रही थी इकोनॉमी, ओके। और आगे बात करें तो लाइसेंसिंग पॉलिसी इज ऑनली ए नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड कैनॉट बाई इट सेल्फ प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बैकवर्ड रीजन, तो ये बात उस समय कही गई कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है सही नहीं है, नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ये प्रमोट नहीं कर सकती, तो इसको हटाओ, मौका दो, खासतौर पर बैकवर्ड रीजन में जो लोग आते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट हो, वहां पर फैक्ट्री लगे, इंडस्ट्री लगे, लोगों को कारोबार मिले, ओके, और जो है डेवलपमेंट हो, आगे बढ़े। और आगे बात करें टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो यहाँ पर लंबी स्टोरी को शॉर्ट करते हुए बात करें, सिक्स्थ प्लान वॉज द बेसिस ऑन द आइडिया अप्रोच्ड आईएमएफ फॉर ए लोन, तो यहाँ पर छठा जो प्लान बना था ना वो यहाँ पर बेसिस था जिसके चलते कि लोन उठाया जाए आईएमएफ से, ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इट बेस्ड दिस एज व्हाट स्कॉलर्स कॉल्ड होम ग्राउंड कंडीशनैलिटी, ओके, तो यहाँ पर उस समय यही कहा गया था कि जो कंडीशनल बन रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसके हिसाब से हम लोन लें, तो यहाँ पर कन्विंस करें आईएमएफ को कि इंडिया वॉज सीरियस अबाउट स्ट्रक्चरल चेंज, तो यहाँ पर इंडिया सीरियस है, जो भी ढांचे में बदलाव लेकर आना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आना है वो करेगा भारत, ओके, तो ये बात की जा रही है। 2004 की बात की जा रही है, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, तो यहाँ पर जो स्टडी एक पाई गई है तो उसका नाम है स्टडी का द एवोल्यूशन ऑफ होम ग्राउंड कंडीशनैलिटी, कि हमारे यहाँ पर कैसी कंडीशंस निकली जिसको कि हमें फॉलो करके चलना था, जैसे अभी लाइसेंस की बात कर, लाइसेंस राज की बात कर रहे हैं, ओके, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो एवोल्यूशन ऑफ होम ग्राउंड कंडीशनैलिटी इन इंडिया, तो ये पूरा का पूरा आईएमएफ रिलेशन, तो ये पूरा का पूरा टैग है, नाम है स्टडी का। तो यहाँ पर प्रवीण के चौधरी हैं, विजय एल केलकर हैं और विकास यादव हैं, तो यहाँ पर उनके द्वारा ये स्टडी की गई, तो यहाँ पर पाया गया हाईली टैलेंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी, हाईली टैलेंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी टीम फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटेजी ऑफ होम ग्राउंड कंडीशनैलिटी वेयर बाय द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वुड बी इनिशिएटेड बाय डोमेस्टिक पॉलिसी मेकर्स, ओके, प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द क्राइसिस एंड देन प्रेजेंटेड टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
द अप्रोच साउथ टू काउंटर द डोमेस्टिक ऑपोजिशन। तो कहने का मतलब है जो होम ग्राउंड जो हमारी कंडीशंस थी ना, उसके हिसाब से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पर तैयार किए गए, तो यहाँ पर तैयार किए गए जो भी टैलेंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी टीम थी हमारे यहाँ पर, उनके द्वारा फॉर्मुलेट की गई पूरी पूरी। ओके, दूसरी ओर यहाँ पर जो डोमेस्टिक पॉलिसी मेकर्स थे, तो इनके द्वारा भी यहाँ पर क्राइसिस के मद्देनजर जो था अपना एक यहाँ पर अप्रोच लगाई गई, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रेजेंट भी की गई। तो यहाँ पर ये चीज पाई गई, जो अप्रोच जो लगाई गई थी, तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक ऑपोजिशन थी उसको यहाँ पर काउंटर किया गया। ओके, और आगे बात कर रहे हैं कि ओपन सिस्टम पॉलिसी, तो पॉलिसी टीम की यहाँ पर बात करें, लीडर टू वॉज लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर आर वेंकट रमन, आरबीआई गवर्नर एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फॉर इंडिया एट आईएमएफ आईजी पटेल, आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एंड फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एम नरसिम्हम एंड इंदिरा गांधी क्लोज कॉन्फिडेंट एल के झा। तो यहाँ पर ये सभी जो टीम मेंबर्स है ना, उनकी बात की जा रही है, जो यहाँ पर पॉलिसी जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनी उसके जो टीम मेंबर थे, और इसमें बिमल जलाल भी थे। ओके, हु वुड लेटर टेक ओवर एज आरबीआई गवर्नर बाद में बने। ओके, एंड मोंटेंक सिंह अहलूवालिया वॉज फेमस एम डॉक्यूमेंट वॉज क्रिटिकल इनपुट फॉर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर उनका एक डॉक्यूमेंट था वी के नाम के ऊपर, ओके, एम डॉक्यूमेंट उसको कहा गया, तो उसको भी यहाँ पर एक अच्छी इनपुट थी, मतलब जो यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो शामिल की गई उस समय। और आगे बात करें, इनफैक्ट द लेटर ऑफ इंटेंट इशूड बाय देन आईएमएफ, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर बताया गया इस आर्टिकल में। और अभी हम बात करेंगे टोटल नंबर टू की, तो यहाँ पर बात करें आईपीओ की, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की इन और बैक ईयर। तो यहाँ पर जो पैसा जो हमारी कंपनीज उठाती हैं उसके बारे में बात करें, जो नए नए स्टार्टअप्स बनते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके, देखो ज्यादातर जो कंपनीज आईपीओ इशू करती हैं वो लिस्टेड कंपनी होती हैं, हमारे जो स्टॉक मार्केट है इंडिया की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जो अलग अलग इंडेक्सेज है उनके तहत रजिस्टर्ड होती हैं। ओके, तो यहाँ पर सेबी के कुछ नॉर्म्स हैं, अगर उनको फॉलो करती है कंपनीज तभी वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है। ओके, तो अभी इसके अलावा भी यहाँ पर बैकयार्ड में कुछ आईपीओस रहते हैं जिसके तहत स्टार्टअप्स पैसा उठाते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो स्टॉक मार्केट में सीधे तो आप लिस्टेड अपने आप को कर नहीं पाओगे। ओके, तो आप जो सेबी की कंडीशंस को सीधे आप फॉलो नहीं कर पाओगे, स्टार्टअप पहले जीरो से ही शुरू होगा, तो पहले जो है आम इन्वेस्टर्स जो है ना वही पैसा डालेंगे, तो वही उसी की यहाँ पर सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि पिछले लास्ट डिकेड की अगर बात करें तो भारत ने 100 यूनिकॉर्न जो है ना पिछले 10 सालों में यहाँ पर जनरेट कर दिए, 100 यूनिकॉर्न्स की यहाँ पर बात हो रही है, 100 यूनिकॉर्न से ऊपर की बात हो रही है। ओके, विद ए कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $240 बिलियन। ओके, तो यहाँ पर रैपिडली क्लोजिंग द गैप बिटवीन द यूएस एंड चाइना। तो यूएस और चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपने अपनी इकोनॉमी में यूनिकॉर्न्स जो डेवलप कर रहे हैं, तो भारत भी मतलब अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। $240 बिलियन की पिछले 10 सालों में मार्केट बन गई है। तो यूनिकॉर्न वो होता है जिसका जो टर्नओवर कह लें या वैल्यूएशन कह लें, कि मतलब कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, अगर वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन से एक्सीड कर जाती है, $1 बिलियन, तो हम कहते हैं कि वो कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न बन चुकी है। अगर वो $10 बिलियन का जो यहाँ पर वैल्यूएशन है कवर कर लेती है, मतलब इतनी कीमत की वो कंपनी है, ओके, तो फिर उसको हम सुपर यूनिकॉर्न भी बोलते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिए यूनिकॉर्न मतलब वैल्यूएशन। जैसे देखो एक नई कंपनी के लिए नया स्टार्टअप खुला, उसमें पहले किसी ने 100 रुपया लगाया, नया इन्वेस्टर आया उसने 1,000 रुपया लगाया, तो धीरे धीरे कर करके वो 1 लाख रुपए की कंपनी बन गई। ओके, तो इस तरीके से मतलब जितना पैसा लगा होगा कंपनी में उसी हिसाब से उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। ओके, तो अगर वो कंपनी सही तरीके से रन करती गई तो फिर जो जिन्होंने पैसा लगाया उनको रिटर्न मिलता जाएगा। अगर वो कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर पाई, ओके, तो अगर वो आगे फ्लॉप हो जाती है तो सारा पैसा जो है ना वो डूब जाता है इन्वेस्टर्स का, तो तभी फिर वो उस कंपनीज का कोई खरीदार ढूंढे जाते हैं, जब आईबीसी होता है कंपनी को बेचा जाता है, तो जो जितना भी पैसा मिलता है ना फिर उस पैसे को इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है। अभी बात कर रहे हैं कि यूनिकॉर्न्स हमने डेवलप किए हैं पिछले 10 सालों में, तो चाइना और यूएस के करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो अभी नया एंटरप्रेन्योरशिप जो रेवोल्यूशन है ना वो यहाँ पर फोकस हो रहा है 21 अगर 21वीं शताब्दी की बात करें तो। ओके, तो यहाँ पर 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी टू सॉल्व इंडियाज 19वीं सेंचुरी सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो 19वीं सदी में जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस यहाँ पर थे उनको भी यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से वो सॉल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ रहा है देश। दिस एनॉर्मस वेल्थ क्रिएशन हैज क्रिएटेड ए ग्रोइंग इन्वेस्टर एपेटाइट फॉर
टेक स्टार्टअप। तो ये किस तरीके से क्यों यहाँ पर इतना वेल्थ क्रिएशन हो रही है, कितने यूनिकॉर्न्स हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसका रीजन वही है कि इन्वेस्टर्स की भी गिनती बढ़ती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं उनको उनके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले वो अच्छे से देखते हैं कि स्टार्टअप कितना पुराना है, कितना डेवलप किया, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या फ्यूचर में कोई अप्रोच है, तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी खासी रकम जो है इन्वेस्ट कर दी जाती है। और आगे बात करें कि मोर देन 60 बिलियन US डॉलर जो है ना वो इन्वेस्ट यहाँ पर किए जा चुके हैं इन इंडिया इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स। जो इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स है वहां पर बात करें तो 60 बिलियन US डॉलर काफी होता है। तो ये पिछले 5 सालों की बात कर रहे हैं, तो अभी 2020 की ही अकेले की बात करें तो यहाँ पर 12 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया था। और आगे बात करें टू द डेट ग्रोथ ऑफ दीज सिलिकॉन वैली टाइप स्टार्टअप्स। तो देखो सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में, यहाँ पर सिलिकॉन वैली पड़ती है जहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर कंपनीज के यहाँ पर यूनिट है, जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, और इसके अलावा एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, सभी यहाँ पर है, सिलिकॉन वैली में है, कैलिफोर्निया में पड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि सिलिकॉन वैली टाइप स्टार्टअप्स इंडिया की यहाँ पर जो ग्रोथ जो हो रही है, तो हैज बीन फंडेड बाय ग्लोबल वेंचर कैपिटल। तो यहाँ पर पूरी दुनिया भर से यहाँ पर जो कैपिटल पैसा आ रहा है तो उनके द्वारा सपोर्ट यहाँ पर की जा रही है। टेक्निकली टेक्नोलॉजी जो फंड्स है उनके द्वारा यहाँ पर सपोर्ट की जा रही है। प्राइवेट इक्विटी है जो आम जो इन्वेस्टर्स है उनके द्वारा सपोर्ट की जा रही है, पैसा लगाया जा रहा है। वो हैव मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सिमिलर कंपनीज। तो यहाँ पर यूएस और चाइना में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर अच्छा खासा नोट उन्होंने छाप लिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर बना लिए, तो अभी इंडिया में भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दीज कंपनीज हैव सर्व देयर शेयर होल्डर बेस वेल, ओके, ग्रोन इन स्केल एंड रिवॉर्डेड देयर इन्वेस्टर्स विद हैंडसम रिटर्न्स। ओके, तो भारत में अच्छा खासा जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, इस बड़े स्केल पे कंपनीज डेवलप हुई हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न भी मिला है। ओके, उनका तो अभी देखो ज्यादातर जो हमारे यहाँ पर स्टार्टअप्स है ना, तो वहां पर चाइनीज कंपनीज की काफी, चाइनीज इन्वेस्टर्स का काफी पैसा लगा हुआ है। पहले चाइना में उन्होंने ग्रो किया, तो अभी इंडिया में भी ग्रो कर रहे हैं, अपना पैसा लगाया हुआ है उन्होंने और काम आगे बढ़ रहा है। जैसे जोमेटो की बात कर लो तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है वहां पर जोमेटो में। ओके, तो यहाँ पर बढ़ रही है जो है इकॉनमी आगे आगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे फ्लिपकार्ट की सेल हुई है वॉलमार्ट, तो फ्लिपकार्ट पहले इंडिया था, इंडिया का था। ओके, बाद में इसको बेच देगा वॉलमार्ट, वॉलमार्ट यूएसए की कंपनी है। ओके, तो वैल्यू द कंपनी 22 बिलियन डॉलर, एंड वो पैसा पहुंच गया फाउंडर्स के पास। और आगे बात करें जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इवन लार्ज कॉर्पोरेट्स जो हैं आर नाउ एंटरिंग दिस सेक्टर। अभी वो भी इस यहाँ पर स्टार्टअप वाले सेक्टर्स में एंटर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं जो पहले से स्टार्टअप जो डेवलप हो चुके हैं विद ऑर्गेनिक बिल्डअप्स। ओके, एंड इनऑर्गेनिक एक्विशंस। ऑर्गेनिक बिल्डअप मतलब अच्छे तरीके से जो है डेवलप हुए हैं, तो यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं है और मतलब सही तरीके से जैसे ग्रो करने चाहिए। तो अभी जो रिसेंट अभी 2 बिलियन डॉलर के एक्विशन हुई है बिग बास्केट की, टाटा ने यहाँ पर जो है ना क्वायर किया है बिग बास्केट। तो यहाँ पर ये भी एक प्लेटफॉर्म है ग्रोसरी के जो सामान है वो अवेलेबल करता है। ओके, 2 बिलियन डॉलर यहाँ पर लगाया है टाटा ने, एज दीज कंपनीज नाउ आउटपेस सम ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बेस। तो यहाँ पर जो अभी जो बिग बास्केट का शेयर होल्डर का जो बेस था ना, उसको रिप्लेस यहाँ पर किया गया है टाटा के द्वारा। तो अपनी ओर से यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई है, एंड दे आर लुकिंग टू लिस्ट ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पर वही बात कर रहा हूँ, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना इतना आसान नहीं है। ओके, तो यहाँ पर वो जो नई कंपनी जो भी है वो आगे बढ़ रही है, तो ये वही वही चाह रही है कि वो इतनी मैच्योर हो, आगे बढ़े, बड़ा कैपिटल उनके पास पहुंचे और यहाँ पर जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो अपने आप को लिस्टेड कर पाए। तो अगर वो लिस्टेड कर पाएंगी तो और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स उनको मिलेगा, तो वो यहाँ पर अपने स्टेक्स को वो मोनिटाइज कर पाएंगे, अपने शेयर बेचेंगे। दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम द कन्वेंशनल रूट ऑफ फाइंडिंग वैल्यू इन द यूएस मार्केट। तो ये कह रहे हैं कि जैसे यूएस मार्केट की यहाँ पर पुरानी जो कन्वेंशनल रूट चल रहा था, यहाँ पर उसका वो कह रहे हैं कि वो चला जा रहा है, अभी नया ट्रेंड जो है ना वो इन्वेस्टर्स का देखने को मिल रहा है सभी जगह पर। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, इंडियन कैपिटल मार्केट नाउ हैव द एपेटाइट एंड मेच्योरिटी टू रिवॉर्ड दोज कंपनीज एंड देयर फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स। तो यहाँ पर भारतीय कैपिटल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर इतना अभी जो है हम कह सकते हैं कि इस तरीके से वो आगे बढ़ पाई हैं, इतनी मेच्योरिटी वो उनके कंपनीज में अभी हो गई है कि जो इनके फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स थे उनको यहाँ पर जो है रिवॉर्ड दिया जाए जिन्होंने शुरुआत की थी। टू सक्सेसफुली स्टीयर देयर नासेंट बिजनेस टू स्केल थ्रू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी अच्छे से वो सर्वाइव करके बिजनेस को आगे बढ़ाया जिन्होंने। तो अभी आने वाले इस महीनों की बात करें, इंडिया शुड सी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पर आईपीओ बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे, तो वही आईपीओ वही होता है
जहां पर ये कंपनी जाती हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आईपीओ, हर एक कंपनी का आईपीओ इशू करेगी, कहेगी मुझे इतने करोड़ डॉलर के टर्म में यहाँ पर पैसा उठाना है, इतना यहाँ पर डॉलर के टर्म में पैसा उठाना है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर वो पैसा उठाएगी मार्केट में से। ओके, तो यहाँ पर होम ग्राउंड स्टार्टअप्स की बात करें जो आईपीओ के थ्रू पैसा उठाएंगी, जैसे पेटीएम की बात करें, जोमेटो, नाइका, डेलीवेरी, पॉलिसी बाजार की बात करें, तो इवन स्टार्टअप लाइक फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट, फ्रेश वर्क्स कुड फॉलो द सेम लिस्टिंग ट्रैक। तो वो भी इसी तरीके से पैसा उठाएंगे आईपीओ के तहत। और सक्सेसफुल लिस्टिंग ऑफ दीज अर्ली बर्ड्स विल बी द ट्रेंड सेटर ऑफ फॉर दिस सेक्टर। जिस तरीके से कोई भी कंपनी अपने आप को लिस्ट कर पाएगी जितनी कामयाबी से शुरुआती दिनों में, तो उसी तरीके से अपने उसी सेक्टर में वो अपना झंडा गाड़ लेगी। टू डेट वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैव सॉर्ट लीगल स्ट्रक्चर्स टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल लिस्टिंग्स ऑफ देयर इन्वेस्टिंग कंपनीज। तो यहाँ पर ज्यादातर वही जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, जिनके पास खुद का पैसा काफी है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जो है एक लीगल स्ट्रक्चर के तौर पर फैसिलिटेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लिस्टिंग को, जो उनकी यहाँ पर जिस भी यहाँ पर इन्वेस्टिंग कंपनी वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर उसी इन्हीं कंपनीज के तहत, इन्वेस्टिंग कंपनीज के तहत यहाँ पर इनको फायदा मिल रहा है कि जल्दी से यहाँ पर जो है वो ओवरसीज मार्केट में यहाँ पर एग्जिट कर जाती है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट कंपनी में पैसा लगाते हैं, कुछ यहाँ पर इन्वेस्टिंग कंपनीज के थ्रू लगाते हैं। वो तो मतलब कंपनीज जो है खुद से एसेट मैनेजमेंट करके देखती है और खुद से देखती है कि ये मेरे इन्वेस्टर का पैसा, इसको मैं कहाँ पर लगाऊं कि ज्यादा बेनिफिट मिले। ओके, सच स्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दैट फीचर्स कॉस्ट एंड टैक्स लीकेजेस इन एडिशन टू क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स मल्टीलेयर। तो यहाँ पर जब स्ट्रक्चरिंग करने की बात आएगी, किसी भी कंपनी को स्ट्रक्चर करना है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर खर्चा भी देखना पड़ता है, टैक्स लीकेजेस उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक मल्टी लेयरिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती जा रही है। उसकी बात करें तो यहाँ पर बात करें, एन इंडियन लिस्टिंग विल प्रोवाइड ए क्लीन एंड सिंपल न्यू एग्जिट रूट। यहाँ पर अगर भारतीय कोई लिस्टेड कंपनी है, तो यह सिंपल और नया जो है एग्जिट रूट यहाँ पर प्रोवाइड करती है फंड्स के लिए जो यहाँ पर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हो भारत में। तो एग्जिट रूट मतलब जब चाहे पैसा बाहर निकाल लिया जाए, उसकी बात कर रहे हैं। एंड विच विल देन अट्रैक्ट ग्रेटर पूल्स ऑफ ग्लोबल कैपिटल। तो अगर देखो जितनी आप सुविधा दे दोगे, अगर हमारी कंपनी में पैसा लगा है, तो अगर कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो कल को अगर पैसा बाहर निकालना है, तो वो जितने वहां पर सुविधा आसानी होगी, तो उतना ज्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। तो वही बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड यहाँ पर लेकर चल रहा है, भारत में लेकर चला जा रहा है, तो यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है पूरे दुनिया भर से। तो यहाँ पर जो ज्यादातर जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स की बात करें, पेंशन फंड्स की बात करें, डीप पॉकेटेड टेक्नोलॉजी फंड्स की बात करें, तो वो भी यहाँ पर सभी तरह के फंड जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इंडियन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स। ओके, तो यहाँ पर वो कॉन्फिडेंट है कि मतलब एग्जिट ऑप्शन ज्यादा है, बाहर निकलने के ऑप्शन ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर बाकी बड़ी कंपनीज में ऐसा नहीं देखने को मिलता, तो वही यहाँ पर बात की जा रही है। तो सेबी की बात करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसकी बात करें, उन्होंने भी एसेंशियल रोल यहाँ पर अदा किया है कैप्चरिंग पोटेंशियल ऑफ स्टार्टअप्स लुकिंग टू गो पब्लिक। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, जो यहाँ पर मादा रखते हैं, जो अलग अलग हमारे स्टार्टअप्स हैं कि वो पब्लिक में जाना चाह रहे हैं, अपने वो पब्लिक ऑफरिंग के तहत पैसा उठाना चाह रहे हैं, तो सेबी भी यहाँ पर बहुत बढ़िया रोल अदा कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म अलग से बनाया हुआ है, इसका आईजीपी का ध्यान रखें, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो ये अलग से बना है कि जो भी आपका नया इनोवेशन है, मतलब आपका नया आइडिया है, ठीक है, उसको आप लिस्ट करो और देखो पैसा वहां से जो उठा सकते हो, तो उस आइडिया को फिर आप अपने जो कंपनी उसमें तब्दील करो, दैट लार्ज इंस्टीट्यूशंस एंड वेल्थी इन्वेस्टर्स कैन असेस। तो यहाँ पर अगर उस इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में अगर जाते हो, तो सभी इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखेंगे कि आपका आइडिया ये, ओके, तो इस तरीके से आप आइडिया को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या, आपको लगता है कि आपका आइडिया काफी सक्सेसफुल होगा फ्यूचर में, और जो लोग पैसा लगाएंगे कि अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे, तो उस तरीके से यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बनाया गया सेबी के द्वारा, और इन्वेस्टर्स यहां पर असेस कर सकते हैं एंड इंप्लीमेंटेड चेंजेस टू द लिस्टिंग रूल्स ऑन द आईजीपी दैट हैव मेड ए ह्यूज डिफरेंस इन इजिंग द लिस्टिंग प्रोसेस फॉर स्टार्टअप्स कंपनीज। तो यहां पर इस तरीके से क्या है कि एक पहले से प्लेटफॉर्म दे दिया आईजीपी, फिर बाद में अगर यहाँ पर बड़े तौर पर भी अपने आप को लिस्टेड करना है स्टॉक मार्केट में, तो उसमें फायदा हो जाएगा ये जो जितनी भी कंपनीज है, जो नए स्टार्टअप्स हैं, ओके, उनका यहाँ पर बात की जा रही है। सो सम ऑफ दीज चेंजेस इंक्लूड रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ बदलाव ये भी है कि जो अर्ली स्टेज शुरुआती जो इन्वेस्टर्स हैं, तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट होती है उसको रिड्यूस करा टू होल्ड 25% ऑफ प्री इश्यू कैपिटल टू 12 मंथ्स फ्रॉम 24 मंथ्स। पहले यहाँ पर ऐसा था कि मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की है किसी कंपनी में, तो 24 मंथ तक, पहले तो 2 साल तक वहां पर रखो इन्वेस्टमेंट, तो अभी उसका समय कम करके 12 महीने कर दिया। ओके, तो यहाँ पर 25% जो टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% उसको यहाँ पर बात बाहर निकालने की बात कर रहे हैं कि 12 महीने के बाद जो है निकाल सकते हैं अभी। एंड अलोइंग आईपीओ बॉन्ड स्टार्टअप टू एलोकेट 60% ऑफ द इशू साइज ऑफ एनी एलिजिबल इन्वेस्टर्स विद लॉक इन
ऑफ 30 डेज। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो आईपीओ के थ्रू जो स्टार्टअप्स पैसा इकट्ठा करना चाह रहे, तो यहाँ पर वो 60% जो है ना, जो उनका इश्यू साइज है, ठीक है, तो जो भी कोई भी एलिजिबल इन्वेस्टर है तो यहाँ पर इतना पैसा जो है वो यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है वो 30 डेज का है। तो 30 डेज मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट की है तो 30 दिन तक पैसा नहीं निकाल सकते, 30 दिन के बाद जो जितना पैसा निकाल के एलोकेट करना है वो कर सकती है कंपनी। ओके, तो आगे बात की जा रही है, वैलिडेशन ऑफ दिस यूनिकॉर्न ऑन द बोर्सेस विल डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडिया इज नॉट जस्ट द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बट ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड फिनटेक, ई कॉमर्स एंड ग्रीन एनर्जी सोल्यूशंस। तो भारत काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है, यूनिकॉर्न्स हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेमोस्ट्रेट कर रहा है भारत की इंडिया कोई पीछे नहीं है बाकी दुनिया से, और एबिलिटी है कि मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जो है हम यहाँ पर बदलाव लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर फिनटेक की चाहे बात कर ले, जो फाइनेंशियली जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात कर ले, ग्रीन एनर्जी सोल्यूशंस की बात करें, सब जगह भारत जो है अच्छा काम कर सकता है ओवर टाइम। यहाँ पर बात, दीज कंपनीज विल एड नॉट जस्ट ए न्यू सेक्टर टू इंडियन कैपिटल मार्केट्स बट ऑल्सो अनदर 100 to 150 बिलियन डॉलर टू इंडियन लिस्टेड कंपनीज। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भी ये जो नए स्टार्टअप है, आज के स्टार्टअप कल की कंपनीज बनेगी, और जब कल की कंपनीज बनेगी तो धीरे धीरे करके ये भी 150 बिलियन डॉलर तक की यहाँ पर मार्केट बन जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना हो जाएगा। और आगे यूएस और चाइना की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हैं तो वो ज्यादातर जो है सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। यहाँ पर फांग की बात की जा रही है, फेस इन सभी कंपनीज में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो अलग एक पोर्शन इन्होंने अपना बना दिया है मार्केट गेन्स के हिसाब से, जो इनको मुनाफा हो रहा है जिसके चलते इकोनॉमी में ग्रो हो रहा है, इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं, द स्टे एट होम इकोनॉमी एक्सेलरेटेड देयर ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज विद मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल लिव शिफ्टिंग ऑनलाइन। तो अभी देखो ऑनलाइन ज्यादातर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये जो वैसे जो ये कंपनीज हैं तो यहाँ पर जो स्टे एट होम इकोनॉमी का मॉडल अभी जो चलना शुरू हो गया, इसके चलते भी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरीज है काफी उभरती हुई नजर आ रही है। और फांग के स्टॉक्स की बात करें तो फांग भी यहाँ पर एक कंपनी है, मल्टीमीडिया कंपनी है, तो यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली जिस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर्स बढ़ने चाहिए तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ओके, और हाई ग्रेड शेयर्स यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं फांग की अगर बात करें तो, अच्छी प्रॉफिट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर अभी आज के दिन की बात करें तो फांग की बात करें तो यहाँ पर 21% ऑफ S&P मार्केट वैल्यू यहाँ पर इसकी बनती है। ओके, फांग कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 21% ऑफ द S&P 500 मार्केट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर यह 500 का अलग से इंडेक्स जो जिसकी बात की जा रही है, S&P इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडियन कैपिटल मार्केट जो है कुड बी ऑन द ब्रिंक ऑफ विटनेसिंग सिमिलर वॉटरशेड इवेंट। तो जैसे ये फांग की बात करें उस तरीके से भारतीय जो कैपिटल मार्केट है वो भी इस तरीके से आगे बढ़ पाएगी आने वाले समय में, और फास्टेस्ट यहाँ पर कैपिटल क्रिएशन होगा हमारे देश में, जो कि पहले कभी नहीं देखा होगा। और जो सक्सेस है यहाँ पर अगर इन इश्यूज की होती है तो इस तरीके से एक नया फैक्ट जो है इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में स्थापित होगा। ओके, तो जो यहाँ पर आगे और आगे की बढ़ने की यहाँ पर आगे बढ़ने की बात की जाएगी, इंटेलिजेंस रिसोर्सेज कंडक्टिव रेगुलेटरी एनवायरमेंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन दीज गेम चेंजिंग कंपनीज। तो यहाँ पर जो ऐसी गेम चेंजिंग कंपनीज हैं बहुत सही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना होगा, इन्वेस्टमेंट करनी होगी, रिसोर्सेज जुटानी होगी। ओके, तो यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरमेंट उसी तरीके से बनाना होगा, सेबी की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, ताकि जो कि ये कंपनी आने वाले समय में गेम चेंजर के तौर पर स्थापित हो, ओके, साबित हो भारतीय इकोनॉमी के लिए, भारतीय ग्रोथ के लिए। और आगे बात करें आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की, आज का जो टॉपिक है वो है फॉरवर्ड ट्रेडिंग। तो फॉरवर्ड ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग सिस्टम इन अ सर्टेन शेयर्स एज अलाउड बाय द सेबी इन इंडिया, इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर अलाउड टू पोस्टपोन डिफर पेमेंट एंड डिलीवरी रिस्पेक्टिवली आफ्टर पेइंग सम चार्जेस। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या बात है कि जो भी बायर यहाँ पर सेलर की बात करें तो यहाँ पर जो पेमेंट है जिस किसी भी यहाँ पर जो शेयर वो खरीदता है उसके रिगार्डिंग उस पेमेंट को वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकता है। ओके, कुछ यहाँ पर चार्जेस दे दिए जाएंगे लेकिन पेमेंट जो ऑफर ओवरऑल पेमेंट उसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकता है। तो आगे बात करें कि इफ द बायर वॉन्ट्स डिफरमेंट इट इज नॉन एज बदला, तो उसको बदला जो है टर्म इस्तेमाल की जाती है हमारी इकोनॉमी जो यहाँ पर कैपिटल मार्केट है वहां पर। तो अगर बायर जो है जो शेयर खरीद रहा है अगर वो चाह रहा है डिफरमेंट, जो खरीद रहा है पैसे अभी नहीं दे रहा है समय पे, तो एंड इफ द सेलर गोज फॉर डिफरमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर। तो अगर दूसरी और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर शेयर जो सेलर है जो शेयर बेच रहा है, ठीक है, अगर वो शेयर प्रोवाइड ही नहीं कर रहा पैसे ले रही है, तो यहाँ पर डिलीवरी करने में यहाँ पर जो है देरी कर रहा है, तो उसके उसके रिगार्डिंग बात कर